ऐसे ही और सदाबहार वीडियोस देखने के लिए शिमारू चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने अपने बेटे का नाम राजा क्या रखा, वो तो सचमुच राजाओं की तरह जीने लग गया। एक नंबर का निकम्मा और नाकारा हो गया। उसकी हरामखोरी की आदत छुड़वा दे और मेहनत करना सिखा दे। मैं तेरे चरणों में 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। हे माखन चोर, मेरा बेटा एक नंबर का काम चोर, दिन भर आवारा सांड की तरह गांव में फिरता रहता है, लड़कियों की मटकियां फोड़ता रहता है। उसको अपनी तरह नटखट नहीं, राम जी की तरह आदर्शवादी बना दे। मैं 101 रुपया और चढ़ाऊंगा। हे बुद्धि के सागर, मेरे बेटे के भेजे में बुद्धि की जगह भूसा भर दिया है। पिछले 3 साल से बीए में फेल हो रहा है। इस साल उसकी पढ़ाई की नैया की खेवैया बन जाओ, उसको पास करा दो, फिर मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा और 101 रुपया और चढ़ाऊंगा। जय कृष्ण मुरारी। जय राम जी की। शिवनाथ जी। जय राम। कहां भागे जा रहे हैं, कुछ भगवान पे पैसे वैसे तो चढ़ा के जाइए। अभी मेरा काम थोड़ी हुआ जो पैसे चढ़ा के जाऊं, हो जाएगा तो ऐसे क्या देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, 100 रुपया एडवांस देके जाता हूँ, बाकी काम होने पर दूंगा। अच्छी बात है, लाइए। मेरा बटुआ, एक पैसा नहीं मेरे पास। अरे क्या शिवनाथ जी, भगवान के सामने खड़े खड़े बहाने बना रहे हैं। नहीं नहीं पंडित जी, आपके सर की कसम, कल मैंने मंडी में गेहूं बेचा, 1000 रुपए मुझे मिला, पैसा नहीं है मेरे पास। समझ गया, मैं उसके लिए यहाँ प्रार्थना कर रहा हूँ, उसने मेरी जेबी साफ कर दी। राजा, ए राजा, राजा। क्या है जी, क्यों राजा राजा कह के चिल्ला रहे हो? जब मैंने अपने बेटे का नाम राजा जी रखा है, सारा गांव उसे राजा जी बुलाता है, तो उसे राजा कहने वाले आप कौन होते हैं? मैं उसे राजा जी कहूँ? जी। एक बार वो जी मुझे मिल जाए तो मैं उसका जीना मुश्किल कर दूँ। उल्टा नंगा लटका कर पुराने गदेले की रुई की तरह नहीं धुनक डाला तो मेरा नाम शिवनाथ नहीं। क्यों जी, क्या किया है मेरे लाल ने? तुम्हारे लाल ने मेरा मुंह काला कर दिया है, हरामखोर ने मेरा बटवा उड़ा लिया, पूरे 1000 रुपए दो उसके अंदर। क्या बात कर रहे हैं, मेरा बेटा चोर है क्या? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितम् लाल, मैंने अपने बेटे का नाम राजा क्या रखा, वो तो सचमुच राजाओं की तरह जीने लग गया। एक नंबर का निकम्मा और नाकारा हो गया। उसकी हरामखोरी की आदत छुड़वा दे और मेहनत करना सिखा दे। मैं तेरे चरणों में 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। हे माखन चोर, मेरा बेटा एक नंबर का काम चोर, दिन भर आवारा सांड की तरह गांव में फिरता रहता है, लड़कियों की मटकियां फोड़ता रहता है। उसको अपनी तरह नटखट नहीं, राम जी की तरह आदर्शवादी बना दे। मैं 101 रुपया और चढ़ाऊंगा। हे बुद्धि के सागर, मेरे बेटे के भेजे में बुद्धि की जगह भूसा भर दिया है। पिछले 3 साल से बीए में फेल हो रहा है। इस साल उसकी पढ़ाई की नैया की खेवैया बन जाओ, उसको पास करा दो, फिर मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा और 101 रुपया और चढ़ाऊंगा। जय कृष्ण मुरारी। जय राम जी की। शिवनाथ जी। जय राम। कहां भागे जा रहे हैं, कुछ भगवान पे पैसे वैसे तो चढ़ा के जाइए। अभी मेरा काम थोड़ी हुआ जो पैसे चढ़ा के जाऊं, हो जाएगा तो ऐसे क्या देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, 100 रुपया एडवांस देके जाता हूँ, बाकी काम होने पर दूंगा। अच्छी बात है, लाइए। मेरा बटुआ, एक पैसा नहीं मेरे पास। अरे क्या शिवनाथ जी, भगवान के सामने खड़े खड़े बहाने बना रहे हैं। नहीं नहीं पंडित जी, आपके सर की कसम, कल मैंने मंडी में गेहूं बेचा, 1000 रुपए मुझे मिला, पैसा नहीं है मेरे पास। समझ गया,
मैं उसके लिए यहाँ प्रार्थना कर रहा हूँ, उसने मेरी जेबी साफ कर दी। राजा, ए राजा, राजा। क्या है जी, क्यों राजा राजा कह के चिल्ला रहे हो? जब मैंने अपने बेटे का नाम राजा जी रखा है, सारा गांव उसे राजा जी बुलाता है, तो उसे राजा कहने वाले आप कौन होते हैं? मैं उसे राजा जी कहूँ? जी। एक बार वो जी मुझे मिल जाए तो मैं उसका जीना मुश्किल कर दूँ। उल्टा नंगा लटका कर पुराने गदेले की रुई की तरह नहीं धुनक डाला तो मेरा नाम शिवनाथ नहीं। क्यों जी, क्या किया है मेरे लाल ने? तुम्हारे लाल ने मेरा मुंह काला कर दिया है, हरामखोर ने मेरा बटवा उड़ा लिया, पूरे 1000 रुपए थे उसके अंदर। क्या बात कर रहे हैं, मेरा बेटा चोर है क्या? चोर? अरे तुम्हारे बेटे को चोर देकर अपनी जेब दबाकर गांव छोड़कर भाग जाते हैं। देखिए जी, इल्जाम लगा रहे हैं आप मेरे बेटे पर। क्या सबूत है कि मेरा बेटा चोर है? सबूत? जीजा जी, ये रहा सबूत। तुम्हारा वायस भाई, मेरा निकम्मा साला, मेरे बेटे को बर्बाद करने वाला, क्या है बे शादीलाल? जीजा जी, सुबह सुबह गुस्सा क्यों खा रहे हो? अरे खाना है तो लड्डू खाओ, कड़वा मुँह मीठा हो जाएगा। प्यारी बहना, ये लड्डू का डब्बा तेरे लिए है। क्या बात है भैया, लड्डू बांट रहे हो? कोई लड़की मिल गई है, शादी वादी कर रहे हो क्या? प्यारी बहना, यही गहना तो तेरे भाई ने अभी तक नहीं है पहना। परसों से दूल्हे की तरह तैयार होके घूम रहा हूँ। सर पे दूल्हे की पगड़ी, तन पे दूल्हे का जोड़ा, जेब पे ये देखो चमचमाता सेहरा। उधर बोलो। अरे बरसों से पंडित को भी तैयार करके बैठा हूँ। अरे 4-5 बार तो अकेले फेरे लगा चुका हूँ। मिलेगी। लेकिन दुल्हन ससुरिये की मिलती नहीं है। मिल जाएगी। पिताजी ने है ना मेरा नाम तो शादी लाल रख दिया था, पर उसके लाल की शादी तो हुई नहीं पा रही है। हो जाए। अबे क्यों बात को शैतान की आंख की तरह लंबा करता जा रहा है? बोलता क्यों नहीं कि मिठाई किस खुशी में बांट रहा है? हाँ। जी जाजी, मैं नहीं बांट रहा हूँ। तो? ये तो आपकी आंखों का तारा, आपके खानदान का चिराग, आपके कलेजे का टुकड़ा, अरे आपका नूरे नजर, आपका बेटा राजा जी बांट रहा है। हाँ? तुम क्या है कर रही हो? एक तो हरामखोर ने मेरी जेब से 1000 रुपए चुरा लिए, ऊपर से मामा भांजे लड्डू खा रहे। जीजा जी, हम दोनों अकेले थोड़ी ना खा रहे हैं, वो तो पूरे गांव को खिला रहा है। पूरा गांव? जीजा जी, गांव का नाम छोड़कर घर चुप। बाबूजी, बाबूजी। क्या? लट। ये वो सुनिए। जा रहे हैं तो जा रहे हैं। मुबारक हो शिवराज जी, क्या लड्डू लेकर आए आपका बेटा? चल। शिवनाथ जी मुबारक हो, क्या दिल पाया है आपके बेटे ने, बिल्कुल आप जैसा, पूरे गांव का मुंह मीठा करा दिया उसने। आओ बच्चुआ। नमस्ते शिवनाथ जी, नमस्ते। क्या हुआ, तुझको भी मेरे बेटे ने लड्डू खिला दिए? उनकी क्या मजाल से मुझे लड्डू खिलाएगा? अरे मैं तो इंसान हूँ, उसने तो गाय भैंस बैल बिल्ली सभी को लड्डू खिला रहा, अव्वल आया ना। मेरा बेटा अव्वल है पढ़ाई में? मैं कभी झूठ नहीं बोलता, आपके लड़के को जितने नंबर मिले हैं ना, क्लास में किसी के नहीं मिले। बताओ, मेरा बेटा अव्वल है पर मैं उसको मारने के लिए लाठी लेके घूम रहा हूँ। लाठी के बजाय मेरे हाथ में मिठाई होनी चाहिए थी। अरे वाह, मिठाई आ गई। मुखोल 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 मुखोल, तेरा मुंह के चूहे का बिल है। मुखोल 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 मुखोल, दे रहा बाबा, दे रहा एक दे रहा, एक मिनट। हाँ लो, सब लो, लो लो, दे रहा भाई, एक मिनट दे रहा हूँ। अरे माचिस जी, माचिस जी, अरे आप तो लड्डू खाइए। मगर किस खुशी में लड्डू बांट रहे हैं आप? कमाल है, आप ही ने तो मेरे बेटे को इज्जत की पदवी पे बिठाया है। इज्जत की पदवी पे मैंने? हाँ, आप ही के कारण तो मेरा बेटा अव्वल नंबर से पास हुआ है। लीजिए लड्डू खाइए। अरे क्यों लड्डू बांट कर अपना नुकसान कर रहे हैं? आज के युग में चोर लुटेरे डाकू पास हो सकते हैं, मगर आपका बेटा पास नहीं हो सकता। क्या मजाक कर रहे हैं आप? ये मजाक मैंने नहीं, ये मजाक आपके बेटे ने आपके साथ किया है। पूरी क्लास में एक ही लड़का फेल हुआ है, वो भी आपका बेटा राजा जी। आप सच कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ, पूरी क्लास में इतनी बुरी तरह से फेल हो गया कि पूरे कॉलेज के मुंह में कालक खोद दी उसने। यूनिवर्सिटी वालों ने यहाँ तक बोल दिया कि दोबारा इस तरह कोई लड़का फेल होगा तो कॉलेज में ताला लगा देंगे, और आप लड्डू बांट रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? हटाइए, लड्डू बांट रहे हैं। इतना बड़ा धोखा, मैं इसके लिए मिठाई बांट रहा हूँ? मिठाई के बदले मेरे हाथ में लाठी होनी चाहिए थी। ऐश करना
मामे मामे बाबूजी की स्पीड इस उम्र में कैसे बढ़ गई यार। अरे भाग 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 बहुत तेज भाग 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 मामे 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 भाग चल मामे भाग चल पीछे बाबूजी आ रहे हैं लट्ठे लेके आ रहे हैं भाग ओ यार ओ मामे यार मामे भाग चल भाग चल भाग चल भाग चल निकल अरे अरे ये तो तीनों जगह पर दीवार है पीछे बाबूजी आ गए मामे 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 यहां से भाग चल दे इस दीवार बड़ी मजबूत है मामे छलांग मार लेते छलांग तुम मेरे को हेल्प कर मामे मामे तुम मुझे हेल्प कर हेल्प कर मामे मामे हेल्प कर भाग और कहां तक भागेगा भाग वो तो गली ने धोखा दे दिया बीच में दीवार खड़ी कर दी वरना मैं भाग जाता मैं इसी दीवार में तेरे को जिंदा चुनवा दूंगा मैं कोई अनार खड़ी हूँ जो मुझे चुनवा देंगे लोगों से झूठ बोलता है तू अव्वल है लो अव्वल तो मैं आया हूँ ना मामे कहां से अव्वल आया पीछे से अव्वल आया हूँ ना मैं पीछे से अव्वल और मिठाई बांटता अरे जीजा जी आगे से अव्वल आया पीछे से अव्वल आया पर आया तो है ना अव्वल कल से तेरा घूमना फिरना बंद और इसकी पढ़ाई लिखाई बंद कल से तुम दोनों खेत में जाओगे खेतों में तो हम सवेरे जाते हैं डिब्बा लेकर अब दिन भर जाओगे हल जोतोगे बैलों के बदले काम करोगे बैल की जगह काम करेंगे भांजे मैं किस एंगल से बैल लगता हूँ जो मुझे बैल की तरह जोतेंगे ये तू तो फिर भी लगता है मैं तो बिल्कुल नहीं लगता मैं कहाँ जाऊंगा मामे ए मामे अरे वो क्या देख रहा हूँ मैं ये तो कड़ुआ है हाँ फटफटी में जा रहा है कड़ुआ ए कड़ुआ अबे तेरी औकात कैसे बदल गई अरे कड़ुए अबे कड़ुए हमें ये कड़वा है क्या कड़वा ही लग रहा है ये तो ये कड़वा अरे यार ये कमाल करीबे ने ये देख 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 मोटरसाइकिल पे तोता बैठा है तोते पे चश्मा लगा हुआ है इस पे भी चश्मा लगा हुआ है समझ में नहीं आ रहा तोता कौन है आदमी कौन है मैं हूं यार आदमी मैं हूं अरे कमाल की बाइक यार कमाल का सूट यार ये देख 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 मार दे ये देख कंगी कंगी दे चूड़क जाएगी कड़वा ये चक्कर क्या है बता ना यार तूने मुंबई का नाम सुना है अभी चल बजेगा मुंबई तू क्या बात कर रहा है ये वही के ठाट बाट है हरामजादे क्या मम्मी गाली क्यों दे रहा है बाड़े ज्यादातर लोग मुंबई में जिनका पैसा होता है ना वो स्मगलर हो जाते हैं ये स्मगलर बन गया ये कड़वा चार चार आने में गोबर उठाने वाला कड़वा आज का स्मगलर बन गया अबे क्या उल्टी सीधी आंक रहा है तू पागल हो गया मुंबई शहर में इज्जतदार आदमी हूँ मैं जिधर से मैं निकलता हूँ ना सब मेरे को सलाम ठोकते हैं सलाम ठोकते क्या ठोकता है? है? तूने जैक्सन टेक्सटाइल का नाम सुना है अबे बहुत बड़ी कंपनी है वहीं पे सर्विस करता हूँ मैं बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ मेरे नीचे 200 आदमी काम करते हैं ठीक से देख यार नीचे नहीं तेरे ऊपर करते होंगे यार जैसे मटकी फोड़ते वक्त तेरे नीचे भी 200 आदमी काम करते हैं क्या पावड़ों जैसी बात कर रहा है नीचे काम करने से मेरा मतलब है कि मेरे हाथ के नीचे काम करते हैं मेरे अंडर अच्छा तेरे को पगार कितनी है 10,000 महीना 10,000 मामे समझ गया यार ये दिन भर कुत्ते की तरह काम करता है ये वो क्या बात करता है काय का काम ठाटते रहता हूँ मैं ऑफिस में एयर कंडीशन की हवा खाता हूँ और सुन मुश्किल से 8-10 फाइलें मेरे सामने आती है साइन करता हूँ लट्टा देता हूँ बगल में हट यार ए कड़वा ये इस तरह से बगैर मेहनत के करने वाला काम मेरे को भी दिला देना यार सुन ओए तूने बीए पास किया है बीए नहीं बीए कॉलेज के आसपास से पास होता रहता हूँ लेकिन कॉलेज से बीए पास नहीं किया उसकी जरूरत नहीं है इसके लिए डिग्री होना बहुत जरूरी है समझा तू एक काम कर तू गांव में रह ये तेरे बस का रोग नहीं है मैं 4 आने में गोबर उठाता था तू 8 आने में उठा चल हट हट पीछे हट 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 ना चल के राख हो गया क्या कोई बात नहीं ना वो जिस गोबर की बात करके गया है ना उसी गोबर को एक दिन उसके मुंह पे थोप देना तू जीजा जी भांजा कुछ कहना चाहता है बात तो कहने वाली नहीं है लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मैं मुंबई जाना चाहता हूँ बाबूजी मुंबई क्यों गांव का सत्यानाश कर दिया अब क्या मुंबई खराब करने का इरादा है बात सत्यानाश की नहीं है मैं नौकरी करना चाहता हूँ नौकरी तू और नौकरी नौकरी के लिए हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं तू काहिल कामचोर तू क्या नौकरी करेगा जीजा जी जब से भांजे ने कड़ुए को फटफटी में देखा है ना तब से इसका दिल फटफटा रहा है कि मैं भी मुंबई जाऊंगा मुंबई जाके नौकरी करूंगा कलवे ने एमए पास किया ये काहिल कामचोर 50 मरता बीए में फेल हुआ इसको नौकरी कौन देगा मामा बता ना बीए के बारे में यार जीजा जी बीए का सर्टिफिकेट मिलना आजकल मुश्किल नहीं है बहुत आसान है अच्छा कहाँ मिल जाता है राशन की दुकान पे सब्जी मंडी में नहीं नहीं वो रजिस्ट्रार है ना रजिस्ट्रार तुझे सर्टिफिकेट क्यों देगा तेरे बाप का राज चलता है नहीं नहीं आपका राज होगा तो कुछ नहीं मिलेगा पैसे का राज होगा तो बहुत कुछ मिल जाएगा क्या मतलब सुनिए जी लो जी जी बता देगी अब अजी मैं बताती हूँ उस रजिस्ट्रार की हथेली गर्म कर दी और उसे डिग्री तैयार करवा ली तो तुम्हारा मतलब ये कि मैं इसको बिना परीक्षा पास किए हुए रिश्वत देकर बीए की डिग्री दिलवा दूँ हाँ तो क्यों नहीं आजकल तो आम ऐसा होता है वो अपने वो पड़ोस के गाँव का वो कौन झिंगुर मोती उसने भी तो यही किया था ना पैसे जमा किए और उसने उसको दे दी वो जी 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 रजिस्ट्रार हाँ रजिस्ट्रार को दे दिया उसने फौरन ना वो कौन से बस की डिग्री बनाई जी जी बस की नहीं एमबीबीएस की डिग्री हाँ ये
यही डिग्री बनाई और आज देखो ना वही झिंगुर मोती खानदानी काम छोड़कर डॉक्टरी कर रहा है और अंधाधुंध पैसे कमा रहा है क्यों? अरे जीजा जी मुंबई में टॉप का जूतों का डॉक्टर है। तुम अपनी बेहुदा दलीलों से मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती हो। मैंने अपनी सारी जिंदगी अपने नियम अपने उसूलों से गुजारी है, इसके लिए मैं अपने नियम नहीं तोड़ सकता। इस घर में जाली सर्टिफिकेट और रिश्वत की डिग्रियां नहीं आएंगी तो नहीं आएंगी। माँ ये तो बहुत जाती है। अब मैं नौकरी करने को तैयार हो गया तो कहते हैं शहर मत जा। अब मेरे भेजे में पढ़ाई नहीं आती तो मैं क्या करूं? अब पाव किलो के थैली के अंदर कोई बोरी भरा अनाज ठूस देगा तो थैली फट नहीं जाएगी। माँ मैं समझा ना माँ को। अरे अपनी जीजी को मैं क्या समझाऊंगा? अरे मैं तो समझी हुई हूँ बेटा, तू फिक्र मत कर, तुझे सर्टिफिकेट मैं दिलवा के रहूंगी। शादी भांजे मेरे बगैर बोर मत होना। तू बोर मत कर मुझे। ठीक है ये ले शादी और मेरे चांद के लिए एक अच्छा सा बीए का सर्टिफिकेट लेकर आ। जी जी तू फिकर मत कर, मैं ना रजिस्ट्रार के पहले तो पैर पकड़ूंगा, फिर उसके पैर धोऊंगा, फिर उसका पानी पीऊंगा और अगर साले ने सर्टिफिकेट नहीं दिया ना तो पैरों को सूखने नहीं दूंगा। इतनी देर पैर धोएगा? तू तो मैंने आशीर्वाद दे दे बस। अच्छी पैर धुलाई करियो। तू बड़ी अच्छी है, तू बड़ी भोली है, मेरी जीजी है। ये आवाज कैसी आ रही है? बाबूजी ये क्या है? आरती। आरती किसकी? अपने। कौन अपने? राजा जी की। धन धान्य सुता निवत मनुष्यो मत प्रसाद। अरे ये किस खुशी में आप इसकी आरती उतार रही हैं? अजी मुबारक हो, आपका बेटा बीए में फर्स्ट क्लास पास हुआ है और मुंबई भी जा रहा है काम करने। बहुत अच्छे, मतलब आज तक ये जितनी भी बेहुदा फरमाइशें करता रहा तुमने सब पूरी कर दी, अब ये भी पूरी कर रही हो। क्यों ना करूं, मेरे बेटे के भविष्य का सवाल है और इसके भविष्य के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। हाँ जी बिल्कुल जानता हूँ, करो जो तुम्हारे जी में आए। अरे मेरी मर्जी तो ये है कि तुम इसे शहर तक छोड़ने जाओ। मैं? जी पहली बार मेरा बेटा गांव से बाहर अजनबी शहर में जा रहा है, वहाँ उसके रहने का बंदोबस्त खाने का बंदोबस्त ये सब कौन करेगा? आप ही को तो करना है ना। माँ वो रास्ते वाली बात। और हाँ जी सुनिए, रास्ते में मेरे बेटे को गालियां मत देते हुए जाइएगा। नहीं तुम कहो तो मैं रास्ते भर इसकी पूजा करता रहूंगा। अरे वाह भाया, इकोनॉमिक्स में 100 में से 100, इंग्लिश में 100 में से 98, अरे हिस्ट्री में 95 और ज्योग्राफी में 99। सेठ जी इम्तिहानों के दिनों में है ना, मेरे भांजी की तबीयत थोड़ी नरम थी, इस करके नंबर थोड़े कम आए हैं। इसको आप नंबर कम कहते हो? अरे भाया तबीयत ठीक होती तो क्या 100 में से 150 ले आता? नहीं 150 आवे नहीं आवे, मेहनत तो करनी चाहिए ना, क्यों मामे? बिल्कुल ठीक भांजे, और जी मेहनत करने में क्या हर्ज है, वैसे भी मेहनत करने में ना कुछ घिसता नहीं है। वाह वाह मिस्टर राजा, तुम बहुत ही महान हो। धन्यवाद जी। बेहद जहीन और होशियार लड़के हो। धन्यवाद जी धन्यवाद। मेरा ऑफिस तुम जैसे पढ़ाई से भी ज्यादा पढ़े लिखे लड़के को काम पर रखने के लायक नहीं है। धन्यवाद जी। भांजे, ओ जी आपके कहने का मतलब ये है कि मेरे भांजे के लिए नौकरी का यहाँ कोई चांस नहीं है? नहीं जी, मैं तो इनको हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकता हूँ कि अगर ये मेरी ऑफिस में काम कर ले तो मेरी ऑफिस की तकदीर में 4 चांद लग जाएंगे। आपका बड़ा एहसान होगा मुझ पर। ओ जी आपने एहसान का टॉपिक छेड़ा है तो मैं एहसान के बारे में आपको खोल के बता दूं कि मेरे भांजे ने ना सिर्फ आप पे एहसान नहीं किया है पर ये तो इतना लायक इंसान है कि इसने इस संसार में पैदा होके ना पूरे संसार पे एहसान किया है। तो मामे इतना इमोशनल ना हो यार। ना होने देना मन्ने। नहीं डर लग रहा है मन्ने। ना होने देना मन्ने। ठीक है फिर बोले। ओ जी एक दाढ़ी वाले बाबा जी ने हिमालय पर्वत पे हाथ उठा के कहा था कि छोरा है ना पारस है पारस, ये अगर सोने को छू देना तो वो पत्थर बन जाए। क्या मतलब? ओ जी इनडायरेक्टली मेरे कहने का मतलब है ये पत्थर को छू देना तो वो सोना बन जाए, ओ जी ये तो अगर बंजर जमीन में एक ठोकर मार देना तो वह तेल का कुआं निकला है। तो मेरी जमीन में एक ठोकर मरवा दो इससे। यहाँ तेल नहीं निकलेगा सेठ। क्यों भाया? आप 10वें माले पर रहते हो ना, ग्राउंड फ्लोर पर रहते तो हम आपका तेल निकाल देते। भांजे क्या कह गया तू? मामा मासूम हूँ बोल गया। अच्छा मैं आपको प्रार्थना करके कहता हूँ कि आपसे ज्यादा सीनियर लोग भी हैं तो उनसे ज्यादा पगार आपको दे नहीं सकूंगा, आपको सिर्फ महीने का 5,000 रुपया दूंगा, चलेगा? 5,000? कम है? कम है? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। चलेगा। चले। वाह मेरे से भी मिला लो जी।
मुझे क्यों खोल रहा है? अरे तू खोल रहा, मैंने सोचा मैं भी खोल लूं। मैं जो कुछ करूंगा वो तू भी करेगा। बात कर रहा है मामे, अरे मान के न दांत मांजे न दाढ़ी बनाई न कपड़े पहने, अरे क्या कर रहा है तू? मामे तो बहुत लंबी लाइन लगी है। लंबी लाइन है तो अच्छी बात है ना? अच्छी बात है, फिर लेट हो जाएंगे। अरे जब तक तेरा नंबर आएगा बस में बैठ जाएगा, तब तक मैं तेरे को तैयार कर दूंगा। तैयार तो हूँ, तैयार क्या होना है? अरे अच्छे बच्चे जब ऑफिस जाते हैं ना तो तैयार होके जाते हैं। तो क्या करूँ? ले पकड़, ले ये निकाल मंजन। ले सब तो मुझसे करवा रहा है, तू क्या कर रहा है? अरे तू रख ये सफेद सफेद दांतों में। हाँ रख रहा हूँ ना। मान जब दांत मांजूंगा ना। मान तो सही, फिर मान रहा हूँ। जबरदस्ती मंजवा रहा है, ला वापस रख। अरे थर्मोज ना खोल के ना। अच्छा बच्चा खोल के खुल हुआ है। अरे बाद में अरे मुंह तो गीला कर लूं। ओहो ले डाल इसमें, अब क्या करोगे? अरे मैं इसको घोड़ूंगा, मैं घोड़ता रहूंगा, तुम मारता रही हो। दाढ़ी भी तो बनानी है तेरी। हाँ हाँ अरे क्या कर रहा है? कमाल है, क्या करता है देखो। मामे अरे मैं तो सुबह भूल ही गया यार, वो सूर्य को प्रणाम करना भूल गया। मामे बड़ी गलती होगी, बड़ी गलती होगी। एक मिनट, मारे ओम सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः। और बच्चे की सारी बोतल खाली कर दी एकदम। कोई बात नहीं, फिर भर लेगा, भर लेगा। फिर दिखा, गाल दिखा अपना। हाँ और दाढ़ी बढ़वाते हैं, बात नहीं करते। मामे किसी दूसरे बच्चे के पास थर्मोस है क्या? नहीं वो गड़बड़ हो गई ना, वो पानी खत्म हो गया इसका। बच्चे पानी दे मेरा। अरे बना दिया ना एकदम धर्मेंद्र तेरे को। अच्छा धर्मेंद्र मुझको बोल रहा है, लाइन तू मार रहा है। अरे क्या कर रहा है अब? ना 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 ऐसे कर रहा है जैसे होली आ गई हो। अरे अल्लाह मुंह पोछ लूं, मैं ला लूंगी दे दे। अरे क्या कर रहा है अब? अच्छा तो कुर्ता दे दे, इतना शर्मा क्यों रहा है तू? अरे बस नहीं आ रही। अरे इतना काम नहीं होता यार, काम नहीं होता मुझसे। आ जाओ डालिया, आहिस्ता आहिस्ता। हाँ इधर आ जाए, अभी बैठ जाओ, बैठ जाओ। संभाड़ के संभाड़ के अच्छे से बैठ जाओ, अच्छे से खाओ, मैं अभी आता हूँ। एक कड़वा, अबे कड़वा साले, कड़वा साला तू इधर क्या कर रहा है यार? कड़वा क्या कड़वा कड़वा कर रहा है? ये गांव नहीं शहर है, मुंबई शहर। यहाँ लोग मेरे को कालीचरण के नाम से जानते हैं। अभी यहाँ लोग तेरे को कालीचरण के नाम से जानते होंगे, लेकिन मेरे लिए तो गांव का कड़वा है, चार चरण में गोबर उठाने वाला। और साले तू गांव के अंदर बड़ी शेकी मारता था कि तू मुंबई शहर में ऑफिसर बन गया है, यहाँ आके किसी का ड्राइवर ही कर रहा है क्या? चुप इडियट, वो मैं ड्राइवर नहीं, ये मेरी गड्डी है। ए साला क्या लंबी लंबी छोड़ रहा है? अरे कहाँ लाखों की गड्डी और कहाँ चार चरण में गोबर उठाने वाला तू कड़वा। चुप 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 चुप। एक मिनट सुन, मैं तेरे को बताता हूँ चक्कर की है। उधर अंदर झाके देख कौन है, झाके देख। कौन है मोटी चश्मे वाली जो बैठी है? चुप चुप, धीरे बोल धीरे बोल। वो मेरी बीबी है। क्या बात कर रहा कड़वा? हाँ एक करोड़पति बाप की बेटी है, मैं इसको फंसा के इसके साथ शादी कर लिया हूँ और इसके पैसों पे ऐश कर लिया हूँ। क्या बात कर रहा है कड़वा? कोई तनाई नहीं, कल मैं स्विट्जरलैंड से आया हूँ और परसों लंदन जा रहा हूँ। तू बोल क्या रहा है कड़वा? तू फिर मेरे को कड़वा कड़वा बोल रहा है? तू मेरे को कड़वा कड़वा क्यों बोल रहा है? हाँ। तेरे को मैं बोला ना, हाँ। अगली बार जब मेरे को मिलेगा, हाँ। तो काली चरण के नाम से बुलाना, ठीक है? कड़वा के नाम से नहीं बुलाना, ठीक है? ठीक है मैं चलता हूँ, हाँ। मेरे पास टाइम नहीं है, हाँ। ठीक है? हाँ। कड़वा अरे काली चरण यार, काली चरण, चार चार आने में गोबर उठाने वाला काली चरण, चार चार आने में गोबर उठाने वाले काली चरण सेठ। साला गोबरदास झाड़ू मल गटरपुरी, करोड़पति की बेटी का पति बनकर खुद करोड़पति बन गया। हे भगवान, मेरे को भी एक ऐसी लड़की से मिला दे जिसका बाप करोड़पति हो। ओह माय गॉड, अरे बाप रे। अरे ओम नम साहब, दीदम फूट गया क्या? गाड़ी से हम गरीबों को कुचलने निकली है क्या? भाई साहब आप अचानक बीच में आ गए, तुम्हें क्या करती? पैसा आ गया तो चर्बी चढ़ गई है क्या? भाई साहब ये क्या मांग रहा है? कुछ नहीं भाई, करोड़पति की बेटी है, पैसों की अकड़ में ठोक दिया गरीब पिठेले को। ये करोड़पति की बेटी है? सेठ धनपत राय का नाम सुना है? सेठ धनपत राय शहर का सबसे बड़ा रईस है। शहर का सबसे बड़ा रईस उसकी इकलौती? हमें माफ कर दीजिए, गलती हमारी है। देखिए भाई साहब आप हमें माफ कर दीजिए। क्या माफ कर दीजिए? ये जो नुकसान होता है पैसा कौन भरेगा? देखिए आप फिक्र मत कीजिए, आपका जितना भी नुकसान है हमें बताइए, हम आपको पैसे दे देंगे। तो ठीक है निकालिए 50,000 रुपए। 50,000? एक मिनट भाई साहब, ये क्या गुंडागर्दी है? अरे काहे की गुंडागर्दी, हम तो इंसाफ मांग रहे हैं। वो देखो मेरे ठेले की हालत, अगर मैं मर जाता तो
अरे लेकिन मरे तो नहीं ना, और कहा आपका ठेला? अरे क्या भाई साहब, सिर्फ 200 रुपए का नुकसान हुआ है और उसके एवज में आप 50,000 रुपए मांग रहे हो? अरे तुम कौन होता है बीच में बोलने वाला? मैं कौन होता हूँ? अरे मैं आप लोगों में से एक हूँ, आपका एक गरीब भाई। लेकिन माफ कीजिएगा, मैं आपकी तरह डाका नहीं डालता। क्या हम डाकू लग रहे क्या तुमको? डाकू नहीं तो और क्या हो? अरे 200 रुपए के एवज में 50,000 रुपए मांग रहे हो। लेकिन भाई साहब आप ठेला चलाते हो ना? हाँ। इसका मतलब भाई साहब आपका जमीर जिंदा है। और माफ कीजिएगा, जिसका जमीर जिंदा होता है ना वो आदमी मर जाएगा, लेकिन कभी किसी की ऐसी दौलत पर हाथ नहीं डालेगा जिस पर उसका हक ना हो, क्योंकि हम गरीब हैं, भिखारी नहीं, लुट्टे नहीं। आप महान है भाई साहब, आपने तो मेरी आगे खोल दी भाई साहब। ये ले 200 रुपए पकड़। आपने तो मेरी आगे खोल दी। ये आप क्या कर रहे हैं? आप जाइए, आप जाइए। थैंक यू। तू जा, आप जाइए। अरे जाइए ना। इस लाल गाड़ी का पीछा कर, करोड़पति की मालूम है। चलाम बेबी। कांची छैया 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 ओ कांची छैया 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 कांची। बाप रे बाप, अरे ये लड़की का बाप तो कड़वा के ससुर से भी ज्यादा बड़ा आदमी लगता है। अबे ये बहुत बड़ा आदमी है। मैं तुझे देख लूंगा। सलूट नंबर मरवाया ना। जा साहब। बच्चों कहाँ गए थे? यूं ही बाल को जरा गाड़ी सिखाने ले गई थी। बेटे ये तुम्हारे माथे पे खून क्या हुआ? कुछ नहीं अंकल, वो रास्ते में जरा सी चोट लगी तो शायद खून निकल आया। अंकल आपने अपना कीमती रुमाल क्यों खराब कर दिया मेरे लिए? बेटे ये रुमाल तुम्हारे खून से ज्यादा कीमती नहीं है। अब तुम लोग डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए? अरे डॉक्टर छोड़िए अंकल, हल्की हल्दी लगाते ही ना सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, फौरन डॉक्टर इम्तियाज को फोन करो। सोनिया दीदी आपके लिए सिद्धार्थ जी का फोन है। चल पायल। डॉक्टर इज कमिंग। यस सर। ये लड़की कौन है सेठ जी? कौन सी? अरे जिसके माथे पर चोट लगी है। अपनी ही बेटी है। आपकी बेटी कैसे हुई? वो तो आपको अंकल अंकल बोलती है। धनपत सेठ उसको भी अपनी बेटी सोनिया की तरह ही प्यार करते हैं, मगर हकीकत में वो उनके मालिक की बेटी है। महाराष्ट्र की 10 लाख की लॉटरी का वाह, राजस्थान के 5 लाख की लॉटरी का पिताजी स्वाहा। ये क्या कर रही है तू? मेरी कोई लॉटरी की टिकट लगी कि नहीं अभी तक? पिताजी मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो। आप हर महीने अपनी आधी तनख्वाह इन लॉटरी के टिकटों में क्यों बर्बाद करते हैं? और लगती एक भी नहीं है। बचपन से लेके आज तक मैं यही देख रही हूँ, आप इसे छोड़ क्यों नहीं देते? तुझे क्या लगता है ये लॉटरी के टिकट मैं अपने लिए खरीदता हूँ? इस बुढ़ापे में पैसा जमा करने का शौक चढ़ाया है मुझे। अरे पगली ये लॉटरी के टिकट मैं तेरे लिए खरीदता हूँ। अरे तेरा उठना बैठना जो बड़े बड़े घर की लड़कियों के साथ है, यही सोच कर कि तेरी अच्छी पढ़ाई करानी है, अच्छा भविष्य बनाना है, इसीलिए खरीदता हूँ ये लॉटरी के टिकट। अरे मैं यहाँ हूँ। मामा, अरे मामा कड़वा मिला था कड़वा। अरे लालत भेज, कड़वा भी कोई मिलने की चीज है? अरे माँ मैं कड़वा मर्सिडीज में घूम रहा था। मामा वो इतना चालू है, उसने करोड़पति की बेटी को फांस लिया और खुद करोड़पति बन गया। अरे वो करोड़पति बन गया तो तू क्यों छलांग मार रहा है? अरे मैं अपनी छलांग पे आ रहा हूँ ना। तूने सेठ दंपत राय का नाम सुना है? वो कड़वे का ससुर है क्या? अरे माँ मैं कड़वे के ससुर जैसे 10 आदमी उसकी जेब में रहते हैं। सेठ दंपत राय है ना, मेरा होने वाला ससुर है। अरे की बात कर रहा है? अरे गिरा दिया ना तोड़िया। माँ मैं जरा सोच, किससे धनपत राय की इकलौती बेटी पायल अगर मेरे से फंस गई ना, उसकी मेरे से शादी हो गई ना, तो फिर हम लोग भी लंदन अमेरिका घूमेंगे, हमारे पास भी मर्सिडीज होगी मर्सिडीज। अरे भांजे ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होगा, उसको फंसाना है ना तो उससे मेल जोल बढ़ाना होगा। मेल जोल बढ़ाना होगा? अभी तो मिली थी, थैंक यू बोली थी। थैंक यू बोला था तुमने? अरे कब बोला, कैसे बोला, कहां बोला? मामे थोड़ा नमक मिर्च लगा के बोलूंगा, बुरा तो नहीं मानेगा? अरे बता तो सही तू। मामे संडे की रात थी, पहली मुलाकात थी,
मैं था, वो थी और हल्की बरसात थी। संडे की रात थी, पहली मुलाकात थी। संडे की रात थी, पहली मुलाकात थी। नौकर चाकर घूमेंगे अब मेरे आगे पीछे, अब तो सारी दौलत होगी इन कदमों के नीचे। सारी दुनिया उसके पीछे, पर वो मेरे साथ थी। सोमवार को तो शिव मंदिर जाती है वो। पर मामे मेरी बड़ी प्रॉब्लम है। क्या? वो पायल के पीछे पड़ पड़ के ना मेरे पास पैसे खत्म हो गए। मेरे पास अब मामे ये चेन सोने की है ना? ना सोने की तो है पर दूंगा नहीं। दे देना मामे। ना दे नहीं सकता ना। मामे दे देना। ना एक ही तो है। तो भांजा भी तो एक ही है। खाली हो जाएगा ना मेरा। मैं भी तो तेरा भांजा हूं। मैं दे नहीं सकता। मामा देख ले तेरा भांजा खाली हो जाएगा। अरे मैं दे नहीं सकता ना। मामा देख ले सोच ले यार दिलदार तुझे कैसा चाहिए, चेन चाहिए कि तुझे भांजा चाहिए? अरे मेरे को तो भांजा चाहिए, तू चेन ले ले। मामा देखना आई क्या? अरे देख ही तो रहा हूं और क्या कर रहा हूं। भांजा आ गई, आ गई। अजीब लड़का। हे भोलेनाथ, मैं हर सोमवार को तेरे मंदिर की सीढ़ियां घुटनों के बल चढ़कर आता हूं, वो भी अपने लिए नहीं, दूसरों की फरियाद लेकर आता हूं प्रभु। ए, ये तो वही है जिसने एक्सीडेंट वाले दिन हमें बचाया था। हे भगवान,
मेरे घर से 10वें घर में शांति चाची रहती है। उसके घर में चूल्हा तो सिर्फ दिल जलाने के लिए रखा हुआ है। भगवान मुझे भले 10 दिन के लिए भूखा रख, लेकिन शांति चाची और उसके सारे परिवार का पेट भर दे। भगवान सारे परिवार का पेट भर दे। ये तो कुछ भी नहीं है प्रभु, मेरी पिछली गली में रहने वाले नारायण चाचा का दुख सुनोगे ना तो तुम्हारा कलेजा दुख से छलनी हो जाएगा। मालूम है उनके सारे शरीर में खुजली फैल गई। मैं तो कहता हूं प्रभु उनकी सारी खुजली मुझे दे दे। आप भी सोचते होंगे कि मैं क्या हर रोज आपको तंग करने चला आता हूं, मगर क्या करूं, मजबूर हूं, भोले का वक्त हो ना, इसीलिए भोला हूं। अच्छा प्रभु मैं चलता हूं, लेकिन कल फिर आऊंगा किसी और का दुख दर्द लेकर। महादेव, हर हर महादेव, हर हर। अरे आप? एक बात पूछूं? हाँ हाँ। आपने उनके लिए मांगा जिनके साथ आपका कोई संबंध नहीं है, आपने अपने लिए कुछ नहीं मांगा? अब अपने लिए मांगने की मेरी जुबान में शक्ति ही नहीं रही। आप जब अपने लिए मांगेंगी ना तो अपनी मांग में मेरी मांग शामिल कर दीजिएगा, मेरी अर्ज भी पूरी हो जाएगी और आपकी मांग भी सवर जाएगी। जी? मेरा मतलब है कि दोनों का भला हो जाएगा। अच्छा चलता हूं। नमस्ते। ये ना मेरा भांजा है, नाम राजा है इसका। ये नाम से ही राजा नहीं, दिल का भी राजा है। इससे ना लोगों की तकलीफें देखी नहीं जाती, और इंसान तो इंसान, ये तो जानवरों की तकलीफ भी नहीं दे सकता। जानवरों की तकलीफें? हाँ, फॉर एग्जाम्पल एक बार हमारे गांव में है ना एक बैल का एक्सीडेंट हो गया था, तो ना बाल्टियां भर के खून बह गया। डॉक्टर ने कहा कि इसकी जान बचाने के लिए इसको बहुत खून चढ़ाना होगा। तो आपको पता है मेरे भाणजे राजा जी ने ना अपना खून उस बैल को दे के उसकी जान बचा ली। बैल को? हाँ, दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे ना, ब्लड ग्रुप भी सेम था, ओ पॉजिटिव। यार मुझे लगता है कि राजा जी इंसान नहीं फरिश्ता है। ऐसा शरीफ आदमी ना तो मैंने जिंदगी में देखा है और ना ही सुना है। भाणजे तीर निशाने पे लग गया, लड़की फिदा हो गई तेरे पे। मामे अगली मुलाकात में आई लव यू बोल दू? नहीं नहीं, इतनी जल्दी भी ना भागा तो फिर क्या करूं? अरे वही कर जो फिल्मों में होता है। फिल्मों में क्या होता है? अरे मैंने है ना गांव में एक फिल्म में देखा था, एक हीरो है ना एक हीरोइन को पटाने के लिए है ना भाड़े के गुंडे भेजता है। हाँ फिर? तो वो है ना वो गुंडे जाकर हीरोइन को छेड़ते हैं। हाँ। हीरो ना आके उनकी पिटाई करता है और एंड में है ना वो हीरोइन जो है हीरो से पट जाती है। लेकिन मामे हम लोग गुंडे लाएंगे कहाँ से? अरे मुंबई में गुंडों की कमी थोड़े ना, यहाँ पब्लिक कम है, गुंडे तो बहुत ज्यादा है। बुलडोजर बोल रहा है, अबे एक धक्के में तेरी अक्की बिल्डिंग गिरा दूंगा, समझा? फोकट में बंकस मार रहा है, मतलब की बांसुरी बजा। सुन, किसी बिल्डर को उठाने का है कि किसी सेठ को लुढ़काने का है, कि खाली मैदान से झोपड़े हटाने का है कि झोपड़े को खाली मैदान में बिठाने का है। अपनी सब कॉन्ट्रैक्ट लेता है, अभी चल तेरे मतलब की बांसुरी बजा। चल क्या? अबे भेंडी बाजार की गर्दी में तेरी किसी ने पॉकेट मार दी, कचरे की पेटी की पैदावार, तू ये काम मेरे को दे रहा है? अच्छा अभी चल तू एक बात बता मेरे को कि तेरे पॉकेट में पैसे कितने थे? 60 रुपए। अबे ढक्कन, ये फोन के अंदर ही मुंह डाल के तेरे को ऐसी गाली दूंगा ना क्या के टेलीफोन एक्सचेंज में अंगार लग जाएगी, ये फोन के अंदर ही फायर कर दूंगा ना तो तेरे हर जगह से धुआं निकलेगा। शांति। नमस्ते जी। हाँ समझते मतलब की बात कर। ओ जी आपका नाम ही बुलडोजर है? अबे तेरे को मेरे से जास्ती कोई सॉलिड इधर दूसरा दिख रहा है कि लगाओ टक्कर तेरे गिरा दो बिल्डिंग पानी के टंकी के साथ? तेरे को किसी को लुढ़काने का है क्या? नहीं जी। रास्ते से हटाने का है क्या? नहीं जी। किसी को अस्पताल पहुंचाने का है क्या? नहीं जी। क्या फिर कोई छोकरी के साथ दुर्रित्री है क्या? नहीं नहीं नहीं। अरे क्या नहीं नहीं किया, रागल आप रहला यार। मैं बताता हूँ बुलडोजर भाई। ये बताएंगे? दरअसल है ना मार खाने का है। मार खाने का? अरे इतना सिंपल काम है,
तू खाली उसका नाम पता फोटो मेरे को दे, फिर देख बुलडोजर भाई उसका कैसा नली पाया तोड़ फोड़ के उसका पाउडर बनाएंगे। हाँ। आधा तुम लोग पे छिड़केंगे, आधा कैरम बोर्ड पे। यार क्या कैरम बोर्ड है, तुम हिदकता क्या, तुम नाम बोल, बाकी अपने में जोड़ क्या। आपको कोई माने वो टैंक नहीं जाना जो बुलडोजर को लिटा देवे। बुल भाई मेरी बात तो सुनो, हमारा कॉन्ट्रैक्टर थोड़ा उल्टा है। तेरे कॉन्ट्रैक्ट की माँ की आंख बोल रहा है, बोलना जाना। हाँ फिर अबे ये मेरे को मारने की बात कर रहा है मेरे। नहीं, नहीं बुल भाई, बात क्या है कि मेरे भांजे को ना एक लड़की से प्यार हो गया है, तो प्यार में रोब झाड़ने के लिए ना मैंने एक स्टोरी बनाई है। उसमें आप विलन की तरह लड़की को जाके छेड़ोगे, ये हीरो की तरह आएगा और आपको कुत्ते की तरह मारेगा। अभी तक मेरे को कोई पुलिस ने हाथ नहीं लगाया, ये माचिस की कांडी मेरे को क्या मारेगा। कर दूंगा ना कि इसके आर पार हो गए तू भी टोपी समझ नीचे जाएगा। बुल भाई मार खा लो ना आपको मेरे प्यार की कसम। तो एक काम कर, काउंटर पे जा, पैसा दे, उस छोकरी का नाम एड्रेस दे, उसका तिया पाचा करने का ही तोप लेके जा। चलो, बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे गुलाब की कली, मेरी चमक, चलो इधर क्या कर रही। चलना तेरे को हैंगिंग गार्डन लेके जाऊंगा, अक्का मुंबई फिराऊंगा, रानी बाग में पिंजरे के सामने खड़े होके अपन साथ में चने खिलाएंगे ना बंदर लोग को। मामे गुंडों ने लड़की को छेड़ दिया, मैं जाऊं। भाड़ दे, जल्दी का काम शैतान का होता है। देख तेरी अंग्रेजी है कमजोर, इसलिए तेरे को हिंदी में समझाता हूँ। हाँ। भाई लोहे पे तब चोट करनी चाहिए जब लोहा गर्म हो। मैं कुछ समझा नहीं। भाई हिट द आयरन जब इट इज हॉट। ओके आई गॉट इट। बोलती है यार ये लड़के को छेड़ता है। भाड़ दे, वो देख उसने है ना चाकू निकाल लिया, सही टाइम में चला जाता। ओके भाड़ दे, एक मिनट। बोल ना, गुड़ तो ले जा लक के साथ। ले बनता काम नहीं बनेगा यार। अब क्या बोलता तू, पेट में घुसाड़ूंगा, हथड़ी निकालूंगा, टीटू को टाटा काटू, चल जा। अरे भाई साहब, मुझे ठीक कर दूंगा मैं ठीक। अरे बहन जी मुझे अंदर जाने दी, एक थप्पड़ मारूंगी। बहन किसको बोलता है? अरे कमिया कितनी मेहनत करेंगी, चलना। इधर क्या लड़की को छेड़ने आए गार्डन में? ए कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ है जो बुलडोजर को टच करके निकल जाए। वो तो अपन क्या इमोशन में आ गया, एक छोकरे के इमोशन समझता है क्या? जज्बात सुपारी लिया है छोकरी को छेड़ने का, तो अपने इधर क्या काम है? कौन से लड़के ने पैसा दिया इस लड़की को छेड़ने का? अरे तू ढूंढ लेना उधर जाके यार, भीड़ हटा देखना यार। पुलिस कहां से आ गई? भाणजे क्या बोलता है तू, आता है कि खंडाला? वो काहे को? अरे आज रविवार है, रविवार के दिन पायल घुड़सवारी के लिए खंडाला जाती है। अरे खंडाला कहाँ से जाएंगे? अरे वहाँ जाने के लिए तो हमारे जेब में फुट्टी कौड़ी भी ना है। ऊपर चेन बेच के पैसे लिए थे ना तन्ने? अरे वो तो गुंडों को दे दिए ना मन्ने। अरे हाँ वो तो गुंडों को दे दिए। मामे ये तेरा दांत सोने का है ना? सोने का तो है पर दूंगा नहीं। दे देना मामे, मामे दे देना, दे देना। अच्छा मामे एक बात बता यार, दिलदार तुझे कैसा चाहिए, दांत चाहिए कि भांजा चाहिए? नहीं इस बार तो दांत चाहिए, भांजा बिल्कुल नहीं चाहिए। चल इस बात पे तो हंस दे फिर, चल मामे। पायल आज हॉर्स राइडिंग उस तरफ। हे बॉस। मामे तूने बोला था कि पायल का घोड़ा बिदक जाएगा, उसके बाद जाके मैं हीरो की तरह उसका बचा लूंगा, लेकिन पायल का घोड़ा बिदकेगा कैसे? अरे बिदकेगा क्यों नहीं, क्यों? मैंने है ना अस्तबल के आदमियों को है ना खुजली की दवा दे दी है। अरे तो है ना जैसे ही पायल है ना घोड़े पे बैठेगी ना, वो आदमी है ना खुजली की दवा है ना घोड़े की है ना उसकी टांगों पर मार देगा, घोड़ा बिदक जाएगा, उसके बाद अपना काम हो जाएगा। ओके। अरे वो देख 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 क्या हुआ, पायल घोड़े पे बैठ रही है, आदमी ने है ना वो खुजली की दवा हाथों में लेके घोड़े की टांगों पे लगा दी है। Come on, Charlie, good boy. Yeah. अरे घोड़ा भी तक गया। ठीक है मैं जा रहा हूँ। भाड़ जे। क्या हुआ? गुड लक तो लेता जा। पिछली बार गुड लक लिया था मैंने, बर्बाद हो गया था, इस बार मैंने हीरो बनना है, मैं जा रहा हूँ। अरे ये कैसे बैठ गया? अरे या तो खुद सीधा हो या फिर घोड़े को उल्टा कर, ऐसे तो घोड़ा कहीं और जाएगा तू कहीं और। पायल घबरा रहा मत, मैं आ रहा हूँ। चल ओए इसकी मुंडी क्या गई यार? अरे देख गर्दन के आसपास कहीं होगी। ओए ये किधर ले जा रहा है मुझे? ओए लेके किधर जा रहा है? मामे मामे मामे
पैर में आ चुका हूँ, पैर, लेकिन मैं कुछ नहीं करता। पैर, पैर, अरे अरे पैर, अरे तो गिर गई। आई अरे आई, अबे 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 काले जरा अबे, अरे मामे, मैं उठना चाह रहा हूँ। हाँ? अरे मैं उठ क्यों नहीं रहा? ओ! आ, 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 ओ! डॉक्टर बोल, दिख रहा बोल। अरे आपने मुझे किस किस्म की पट्टी बांध रखी है, हाथ पांव बांध दिए, मैं खुजा भी नहीं सकता हूँ। कब खोलेंगे आप मेरी पट्टी? तुम हॉस्पिटल का पूरा बिल चुका दो, हम तुमको पूरा का पूरा खोल देगा मामे। अरे डॉक्टर साहब, मेरे प्यारे से भांजे का प्यारा सा पर्स है ना, गुम हो गया है। आप है ना इसकी पट्टियां खोल दो, बिल ना, जब पर्स मिल जाएगा तो उसमें से पैसे निकाल के चुका देंगे एकदम। ये हलवे का दुकान है क्या? हमने बोला ना पहला बिल चुका दो, इस हाथ पैसा दे, उस हाथ पेशेंट को ले। डॉक्टर साहब, राजा नाम का पेशेंट? हाँ, रूम नंबर 16 में है, पूरा प्लास्टर में पैक किया हुआ है। मिल जाएगा, मिल जाएगा, वेरी इजी टू ट्रेस हिम। राजा, ओह सॉरी राजा, ये सब कैसे, क्यों? ये लो अंगूर खाओ। राजा जी, आपने इसकी जान बचानी चाहिए, इसलिए आपका शुक्रिया अदा करने आई है। मामे मामे, ये फील्डिंग तो मैंने की, मैन ऑफ द मैच इसको कैसे मिल रहा है? तू कुछ कर मामे। भांजे में तेरा मामा हूं, मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? तू लेटा रहा, मैं आता हूं। बंद कर ये गुर खिलाना। अरे मन्ने तो ये ससुरा बीमार कम और बदमाश ज्यादा लागे है। अरे ये अंगूर आए थे राजा के लिए और खा भिखारी रहा है। क्या मतलब? ओ जी मतलब ये है कि ये लेटा हुआ आदमी राजा नहीं है, राजा तो वो है। तो फिर ये कौन है? माई नटवर। देखा, ये नटवर लाल है। आप दोनों की दोनों इसे थोड़ी देर और अंगूर खिलाती रहती ना तो ये सारे अंगूर खत्म कर जी। पर डॉक्टर साहब ने यही इशारा कर दिया था तो हम दोनों ये। आप मुझे देखने आ गई, यही आपका बहुत बड़ा एहसान है। एहसान तो ये आपका मानती है जो आपने अपनी जान पर खेलकर इसकी जान बचाने की कोशिश की। शुक्रिया, मगर आपको यहाँ का पता किसने दिया? जब आपका घोड़ा बितक कर भागा था ना तो हमें ये पता लग गया था कि आपकी अगली मुलाकात हॉस्पिटल में होगी। जी नहीं, आपका वॉलेट हमारे पास आकर गिर गया था जब आप गिरे थे। मामे भांजे, अब तू पेट भर के अपना बदन खुजा, अरे पर्स मिल गया। बोलना क्या? रास्ते में तो कह रही थी ये कहूंगी वो कहूंगी, बोला। सोनिया जी, पायल जी क्या कहना चाह रही थी? जी कुछ नहीं। देखिए, अगर आप अपने दिल की बात अपने साथ ले जाएंगी तो मेरे मन पे बोझ रह जाएगा, बोल दीजिए ना जी। मैं, हाँ मैं, हाँ बोल ना, बोलिए ना। मैं जी, बोलिए ना। वो, हाँ हाँ, मैं आपसे फिर कभी कहूंगी। पायल, पायल आप ही बता दीजिए ना सोनिया जी, पायल जी क्या कहना चाहती थी? दरअसल जब से उसने आपको देखा है उसकी रातों की नींद उड़ गई है, हर घड़ी खोई खोई सी रहती है। जब से आपने उसकी जान बचाने की कोशिश की है ना, तब से उसको सचमुच कुछ हो गया है। क्या हो गया? उसको आपसे प्यार हो गया है। Thank you.
टिंगू तो सुधर जा, इस हवेली का होने वाला मालिक हूँ मैं। क्या आप कुछ भी बोलो, हम अंदर जाने नहीं देगा। अरे तू हमको रोक रहा है, राजा जी को रोक रहा है। अरे अरे वॉचमैन, क्या कर रहे हैं आप? ये हमारे मेहमान। अच्छा बेबी, आइए ना, आइए। सॉरी आपको वॉचमैन ने बाहर रोक दिया। अरे नहीं पायल जी, मुझे बिल्कुल खराब नहीं लगा। वैसे भी चौकीदार ऐसे ही होने चाहिए, वरना कल को हमारी गैर हाजिरी में कोई भी आएगा ना लत्तू गहरा हमारे बंगले में घुस जाए भाई जी। आइए ना, मेरे बोलने का मतलब है कि आपकी गैर हाजिरी में कोई भी चोर उचक्का बंगले में घुस सकता है ना भाई। वो वहाँ मेरे पिताजी हैं, मैं अभी आई बुला के। मामे ये तो घास काट रहा है, माली तो नहीं है? भांजे तने फिल्मों में नहीं देखा, हर बड़ा आदमी है ना अपने घर में घास काटता। हाँ लेकिन क्यों? वो इसलिए कि इन बेचारों के पास है ना पैसा बहुत होता है, तो इनका है ना टाइम नहीं कटता है, तो अपना टाइम काटने के लिए है ना घर में घास काटते हैं। मामे ये निकालने वाले टाइम में हम लोग भी घास काटेंगे हैं? भांजे मैं कैची पकड़ूंगा। नहीं कैची मैं पकड़ूंगा मामे। कैची तू पकड़ेगा तो मैं क्या पकड़ूंगा? तू हाथ पकड़ लेना ना। राजा जी, पिताजी ये राजा जी हैं और नमस्ते, ये इनके मामा जी। अरे अरे क्या कर रहे हो बेटा, उठो बेटा उठो बेटा उठो। अमीर आदमी के गले लगने का मजा और आनंद कुछ और है। बेटा जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सुना था वैसा ही पाया। आओ बेटा अंदर आओ। आओ मामे तू भी अंदर से घर को देख लो। तू अंदर से घर देख, मैं बाहर से देखता हूँ। अच्छा दिखाओ ना घर। आइए ना चलिए ना। कैसा है घर? फर्स्ट क्लास। 1 2 3 4 5 भाई साहब ये 5 की 5 कार किसकी है? ये सारी की सारी गाड़ियाँ हमारे सेठ जी की है। अरे बेवकूफ, आज ये कारें तेरे सेठ जी की है लेकिन कल मेरे राजा की होने वाली है। क्या सोच रहे हो सेठ जी? अरे नहीं मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि ये सब की सब गाड़ियाँ चलती हैं। कैसी बात करते हो सर जी? हाँ पता नहीं कैसी बात कर रहा हूँ मैं। अरे बाप रे बाप, ये ठाट, और ये सब कल मेरा होने वाला है। बेटे एक जरूरी फोन आने वाला है इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेके आया, वरना मैं तुम लोगों को पीछे लेके जाता। पीछे कहाँ? अपने कमरे में। लगता है पीछे बुड्ढे ने अपने लिए कोई खास बेडरूम बनाया होगा, इसीलिए वहां ले जाना चाहता होगा। बेटे जल्दी से चाय लेके आ। हाँ जी अभी। आप क्यों चाय बना रही है? घर में बहुत सारे नौकर तो होंगे ना? बेटे नौकर तो बहुत है लेकिन सब अमेरिका गए हुए हैं। यहाँ तो नौकर भी अमेरिका जाते हैं, शादी के बाद दामाद को तो सीधा चांद पे। भाई साहब ये ठंडे ठंडे पानी का तालाब किसका है? ये भी हमारे सेठ जी का है। भांजे बाय गॉड एकदम जेम्स बॉन्ड लग रहा है तू तो। हाँ मामे 007 8 9 10 11। चुपचाप हवा मार मामे। हवा मारो ना। अच्छा मामे एक बात होता। क्या? तेरे को तैरना आता है? नहीं तैरना नहीं, मेरे को डूबना आता है। तो डूबता क्यों नहीं है यार? मैं दिखाता हूँ। सर जी अरे अरे आप क्या सोच रहे हो? अरे भाई मैं ये सोच रहा था कि इस पानी पे आदमी चल सकता है क्या? सर जी आप कैसी बातें करते हैं? पता नहीं कैसी बातें कर रहा हूँ मैं। क्या सोच रहे हो बेटे? कुछ नहीं, मैं अपने जीवन के भविष्य के बारे में सोचकर व्यस्त हो गया। बेटे तुम्हारे भविष्य के बारे में तो बुजुर्ग सोचेंगे। ये भी बात सच है। तुम्हारे पिताजी अगर मैं कोई बुजुर्ग होता तो मैं उनसे ही बात करता। अब मैं अपने पिताजी से बात करने के लिए गाँव जाऊँ अगर मैं आपको पसंद हूँ तो? पसंद? बेटे मैं अपने आपको बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। मैंने तो कभी सपने में नहीं सोचा था कि मेरी बेटी के लिए इतना शरीफ सुशील और होनहार दामाद मिल पाएगा। अरे नहीं 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 क्या कर रहे हो? पढ़ के बैठ। मामे आखिरी बार रिक्शा में बैठ रहे हैं। आइए सर। पढ़ के अरे वो देखो ने कड़वा। अरे कड़वे भाई कड़वे। अरे कड़वे भाई कड़वे। लगता है वो आदमी आपको बुला रहा है। ओ मैं इनको पहचानता नहीं हूँ, क्यों दिमाग खराब कर दिया? चल बैठ। अबे कड़वे भाई। अरे अरे भांजी चला गया। अरे मामे तो बड़ा हरामी है, देख के अनदेखा कर रहा। अरे इसका पीछा करे क्या? अरे हम लोग बड़े आदमी है, इसका पीछा क्यों करे? तो छोटा आदमी। अरे साले का दिमाग खराब हो गया तो ठीक तो करना पड़ेगा ना। अच्छा ऑटो, ये साले का रास्ता काटो। हाँ काटो। वेलकम वेलकम मिस्टर काली। अबे हां कड़वे। अरे बाप रे यहां तक आ गए। अबे हेलो 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 हेलो। अरे
तुझे कब से कड़वा कड़वा कहकर पुकार रहा हूँ, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है। मिस्टर कालीचरण, मैं आपसे कह रहा था ना, ये आदमी आपको बाहर आवाज दे रहा है। मैं भी तेरे से कह रही थी, मैं इसको जानता नहीं, पहचानता नहीं, कौन है ये? जानता तक नहीं है। अबे तू भूल गया, तो हमारे खेतों के अंदर गाय भैंसों के गोबर उठाया करता था, हम तुझे कल्लू कल्लू कहकर पुकारते थे। आप गोबर उठाते थे? मैं कलवा नहीं हूँ, मैं इसको जानता नहीं कौन है ये। अरे यार, तुम लोग को इसकी स्टोरी मैं बताता हूँ। ये है ना, एक अमीर आदमी की बेटी को फंसा के खुद अमीर बन गया। दरअसल उसको मालूम नहीं है कि मेरा जो होने वाला ससुर है ना, उसकी औकात इसके ससुर के सामने इतनी बड़ी है जैसे किसी मेंढक के सामने कोई मगरमच्छ हो। क्या बोला तू? मेरे ससुर को मेंढक बोला तू? वो तू जानता नहीं है, मेरे ससुर को सारा शहर जानता है। अरे मेरे ससुर को सारा देश जानता है। मेरा ससुर जो है ना, गवर्नमेंट किंग है। अब मेरा ससुर गवर्नमेंट किंग है यार। और तू मेरे ससुर के सामने जूते उठाने लायक नहीं है उसके। अरे तेरा ससुर है ना, वो मेरे ससुर के जूते उठाने का लायक नहीं है। तू बहुत बोल रही है, बहुत बात कर रही है। मम्मी जान दे, जान दे, मम्मी जान दे, जान दे। चल ठीक है ना, तू जूते मारने से क्या होगा, तू शादी कर लेगा ना तो साला सदमे के मारे खुद ही मर जाएगा। ए कल्लू, कल्लू भाग गया। अरे सेठ जी, मारा तो भाग खुल गया। आप पधारे मारे ऑफिस में, कॉफी पियो छोड़ के। सेठ करोड़ीमल जी, ओ जी मैं कालीचरण बोल रहा हूँ। बोलो भाया तोड़ के। ओ जी मैं इसलिए फोन किया कि आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। के? ओ जी मतलब ये है कि राजा नाम के जिस लड़के को आपने नौकरी पे रखा है ना, वो बहुत बड़ा फ्रॉड है जी। उसके सारे सर्टिफिकेट जाली है। ओ जी पैसा देके खरीदा उसने। मैं तो कहता हूँ जी, उसको फौरन नौकरी से निकाल दो। ठीक है, ठीक है भाया तोड़ के। साला मेरे ससुर को भिखारी कह रिया था, अब पता चलेगा। अब आपने मुझे बुलाया सर। आइए है, आइए है, मारी ऑफिस के मुकद्दर को चमकाने वाले आइए। अरे आप बैठिए ना, जब देखो मुझे देखकर खड़े क्यों हो जाते हैं? अबे खड़े हो जाने के बच्चे, मैंने इतना गुस्सा आवे लेकिन कोई शब्द नहीं मिल रहा। अच्छा जब मिल जाएगा तो बुला लीजिएगा, मैं फिर आ जाऊंगा। अबे फिर के बच्चे, मैं तन्ने इसी वक्त नौकरी से निकाल रहा हूँ। नहीं 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 सेठ जी, आप मजाक कर रहे हैं। आप अपने आप को मिल से निकाल सकते हैं लेकिन मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते। कौन है ये बदतमीज लड़का? ए बुड्ढे, जब दो बड़े आदमी बात करते हैं तो बीच में टांग नहीं डालते। क्या बोल रहा है? आप बुरा मत मानिए, मैं तन्ने इसी वक्त नौकरी से निकाल रही हूँ बस। कारण क्या? अबे रख नीचे। कारण क्या है? कारण, अरे कारण एक हो तो मैं तेरे को बताऊं, यहाँ तो कारणों का ढेर लगा हुआ है। 2 महीना हुआ तुझे ऑफिस में, 20 दिन की छुट्टी ले ली, 20 दिन बिना बोले नहीं आया, और जो भी ऑफिस में काम किया तूने ढंग का नहीं किया, करेगा कैसे? आता होगा तो करेगा ना। और सबसे बड़ा कारण तो ये है कि तूने मेरी ऑफिस के साथ फ्रॉड किया है। फ्रॉड? यस फ्रॉड। तुम्हारे सर्टिफिकेट, डिग्री या मार्कशीट जो तुमने मुझे दिखाया था और देखकर मुझे पसीना आया था ना, वो सब नकली है, जाली है। जाओ तुम अकाउंटेंट के पास जाओ, तुम्हारे बाकी के पैसे ले लो और इधर से चले जाओ। आइंदा कभी भी इस ऑफिस में कदम रखने की कोशिश की तो मैं थारी टांगे तुड़वा दूंगा। ए कटोरी मल। कटोरी मल नहीं, मारो नाम करोड़ी मल है। हाँ जो भी है, मल है या नल है, अपनी जबान को लगाम दो। तुम्हें मालूम है तुम किसकी शान में गुस्ताखी कर रहे हो? वो राजा जो आने वाले कल का रईस ज्यादा बनने वाला है। रईस ज्यादा? तू और रईस? अरे 2 दिन में कटोरी लेके रास्ते पर भीख मांगते हुए नजर नहीं आया तो मेरा नाम करोड़ी मल नहीं। हाँ तो ठीक है, अपना नाम बदलने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि जिस आदमी की बेटी के साथ मेरी शादी होने वाली है उसके सामने तुम्हारी औकात भिखारी हो वाली है। अल्लाह के नाम पे दे 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 दे। देखा, यही है। बरकरदार एक बात तो बताओ, इस शहर का ऐसा कौन सा बेवकूफ इंसान है जो तुम जैसे निकम्मे नाकारा बेहुदा लड़के को अपना दामाद बनाना चाहता है? ओहो, अरे बेवकूफो बेवकूफो, वो इतना बड़ा रईस आदमी है कि उसके नौकर भी तुम लोग से ज्यादा रईस होंगे। Shut up and get out from here। मैं चिल्लाऊंगा, क्योंकि मैं चिल्लाऊंगा तो तुम्हारे सड़े हुए ऑफिस की छत का प्लास्टर गिर जाएगा। और वैसे भी ऐसे घटिया ऑफिस में खड़े रहना हमारे जूतों की आन बान और शान के खिलाफ है। ए मिस्टर आन, एक बात तो बताओ, ये तुम्हारे होने वाले ससुर इस शहर के कौन से इलाके में रहते हैं? अमीरों का पता पूछना भिखारियों की पुरानी आदत है, इसे छोड़ दो। और तुम सुनो, अपने सड़े हुए ऑफिस के पेपर तैयार रखना, बहुत जल्द तुम्हारे इस कमाल खाने को राजा जी खरीदने आ रहे हैं। शिवनाथ जी, आपका बेटा मेरा दामाद बने, ये मेरे लिए सच ही गर्व की बात है। लेकिन एक विनती थी, ये रिश्ता तय करने से पहले अगर आप अपने बेटे से भी पूछ लेते तो बेहतर होता। सुंदरी साहब, बेटे से क्या पूछना, हमारे खानदान में बुजुर्गों ने कोई रिश्ता बेटों से पूछ के नहीं किया है। मेरी शादी मेरे पिताजी ने तय की थी, उनकी शादी उनके पिताजी ने तय की थी, और मेरे बेटे की मजाल नहीं कि वो खानदान की परंपरा को तोड़े या मेरे हुक्म के खिलाफ आवाज उठाए। मेरी तरफ से आप रिश्ते को पक्का ही समझे। अरे ये क्या कर रहे हैं बाबूजी आप? अरे जीजा जी, क्या कर रहे हो? अरे जीजा, मेरा बच्चा।
जी। माँ ये क्या हो रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हैं? अपने बेटे के सर पे सहरा देखना, अपने घर पे बहू लाना माँ बाप का सबसे बड़ा सपना होता है। माँ मैंने आप लोगों का सपना बहुत बड़ी जगह फिक्स कर दिया है। इन बेचारे भिखारियों की बेटी के साथ शादी कौन करेगा? बाबू जी क्षमा चाहता हूँ, मगर जिस जगह पर हम लोग रिश्ता तय करके आए हैं ना, वो लोग इतने बड़े लोग हैं कि उनके सामने इन बिचारों की कोई औकात ही नहीं है। वो लोग महलों जैसी हवेली में रहते हैं और ये बिचारे मिट्टी की कोठी में रहते हैं। अरे इनके गोदाम के अंदर इतना अनाज नहीं होगा जितना उनकी तिजोरी में रुपया है। और मामा आगे तू बताना यार, मैं तो थक गया। अरे जीजा जी, हमारे गांव में कुल मिला के इतनी गाय भैंसे नहीं होंगी कि जितनी उनके पास इम्पोर्टेड गाड़ियां हैं। शिवनाथ जी, हमें ये पता नहीं था कि आपने हमें बेइज्जत कर रहे हैं और हमारी पगड़ी उछालने के लिए घर बुलाया था। चलो जी चलो। कलेजा ठंडा हो गया? पूरी बिरादरी के सामने मेरी इज्जत खाक में मिला दी? अरे वो 20 गांव का चौधरी है, तूने उसको भिखारी कह दिया? अरे छोड़िए ना बाबूजी, अब आपका बहुत बड़ा समय आ गया है। अब आपके दोस्त बताना मामा कैसे होने चाहिए। जीजा जी, बड़े बड़े रईसों, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े टाइकूनों से दोस्ती करने का जमाना है आजकल। बाबूजी चलिए ना, मैं तो कहता हूँ कि आप गुस्सा भी मेरे ससुराल चल के थूकिए। मुंबई चलिए ना बाबूजी। क्या है मुंबई? लो पूरी रामायण खत्म हो गई। जीजा जी पूछ रहे हैं मुंबई में क्या है। क्या है बाबूजी? मैं चाहता हूँ कि आप मुंबई चल के खुद अपने हाथों से मेरा रिश्ता तय करें। किसके साथ तेरा रिश्ता तय कराऊं? मुंबई शहर के सबसे बड़े करोड़पति की इकलौती बेटी, सेठ धनपतराय की बेटी के साथ। मुंबई के सबसे बड़े रईस की बेटी के साथ तेरा रिश्ता? मामे जी जी, भांजा एकदम ठीक कह रहा है। सेठ जी ने मुहूर्त फाइनल करने के लिए है ना आप दोनों को राजधानी एक्सप्रेस से बुलाया है। बाबरी चलिए ना, क्या सोच रहे? एक बात बता, इतने बड़े घर की बेटी से तू शादी करेगा तो शादी के बाद वो अपने महलों जैसे बंगले को शहर से छोड़कर गांव की इस मिट्टी के मकान में रहने को तैयार हो जाएगी? नहीं नहीं नहीं, उस बिचारे को यहाँ पर क्यों लाएंगे? हम लोग जाएंगे ना, हम लोग उनके साथ रहेंगे ना उनके पैलेस में। पैलेस पैलेस पैलेस। अच्छा 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 अच्छा, मतलब तू अपने ससुर के घर जाकर उसकी दौलत पे ऐश करेगा? मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। बाबूजी आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं है? बिल्कुल मंजूर नहीं है। यानी कि आप इतने बड़े घर के रिश्ते को ठोकर मार रहे हैं? हाँ ठोकर मार रहा हूँ, बल्कि इस बेइज्जत रिश्ते को ठोकर मार के दिल्ली से बाहर फेंक रहा हूँ। मगर आप क्यों ठोकर मार रहे हैं? इसलिए कि मैं छोटा आदमी हूँ, मेरे पैर जमीन पर है, मेरा सर मेरे कंधों पर है और मेरे दिमाग के अंदर मेरी औकात तोलने का तराजू लगा हुआ है। मैं अपनी औकात जानता हूँ। उस चौधरी के सामने मैं सीना फुला के बातें कर रहा था क्योंकि वो मेरी बराबरी का था, मैं उसकी बराबरी का था। मैं इतनी ऊंची जगह रिश्ता नहीं करना चाहता कि जहाँ ऊपर देखते वक्त मेरे सर से मेरी पगड़ी निकल के मेरे ठोकरों में आ जाए। ऐसी जगह पर रिश्ता नहीं करूंगा मैं। तो आप ये मेरा रिश्ता नहीं करवाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो नहीं करेंगे? नहीं। ठीक है, मैं माँ के पास जाता हूँ। माँ ये तो मेरी शादी नहीं होने देंगे, तू मेरे साथ चल। देख राजा जी, आज तक मैंने तेरी हर मांग हर जिद पूरी की, हर बात में तेरा साथ दिया, चाहे वो सही हो या गलत। लेकिन आज आज मैं तेरा नहीं इनका साथ दूंगी। माँ ये तू क्या कह रही है, तू मेरा साथ नहीं देगी? हाँ बेटा, क्योंकि जब बेटे की शादी होती है तो मंडप में माँ अपने पति के साथ बैठती है, और जिस मंडप में तेरे बाबूजी नहीं होंगे वहां बैठना मेरे लिए पाप है। ठीक है, आज मेरा साथ कोई नहीं दे रहा, बाबूजी भी नहीं दे रहे, माँ भी नहीं दे रही है। और मामा तू मेरे साथ चल रहा है कि नहीं? भणजे तेरा मामा है ना, तेरे साथ गया था, तेरे साथ ही आया था, अब वापस भी है, तेरे साथ ही जाएगा। ठीक है तू मेरे नाल चल, आशीर्वाद भी नहीं दे रही यार। क्या धर्मशाला? मेरी सहेली मेरी बहन की शादी धर्मशाला में? देखो बेटी, मेरी जितनी औकात है उतना ही मैं कर सकता हूँ ना। आपसे आपकी औकात पूछी किसने? ये मेरी सहेली की शादी है, इसकी डोली मेरे घर से उठने जा रही है, इसलिए इसकी शादी किसी धर्मशाला वर्मशाला में नहीं, किसी शानदार होटल में होगी। लेकिन बेटी मैं? लेकिन मेकिन कुछ नहीं, होटल मतलब होटल। यस। चिट्ठी है, मनी ऑर्डर। किसकी चिट्ठी है बेटा? आपके भाई साहब प्रताप जी की चिट्ठी। यहाँ लिखा है? लिखा है आने वाली 10 तारीख को उनकी बेटी की शादी है, हम सबको वहाँ बुलाया है। शादी में जाने के वास्ते। ठहरा है, पता शता है नहीं, मालिक की बेटी की शादी है, 2-4 हजार रुपए तो टिकटों में लग जाएंगे, मिलना वहां खा गए हमको। बड़ी आई सामान बांध लेती हूँ शादी में जाने के लिए।
भाणजी सजावट तो बहुत अच्छी है और लाइटिंग का सिस्टम तो हमारे गांव की शादी से बेटर है। मामा ये पीछे किधर जा रही है? चक्कर काट के आएगी। अच्छा अच्छा, आइए अंदर आइए। अंदर ससुर जी, ये सर्वेंट क्वार्टर नहीं लग रहा? मैं यहीं रहता हूँ बेटे। आप यहाँ क्यों रहते हैं? आप लोग हवेली में क्यों नहीं रहते ससुर जी? क्यों मजाक कर रहे हो, वहाँ मैं कैसे रह सकता हूँ, वहाँ हमारे सेठ जी रहते हैं। अच्छा हाँ। अच्छा, आपके भी कोई सेठ जी है? सेठ धनपत राय। लेकिन ससुर जी, सेठ धनपत राय तो आप है ना? क्यों मजाक करते हो बेटे, मैं तो सेठ जी का नौकर हूँ, इस हवेली का माली। क्या माली? ओ हे ईश्वर, मैं तेरे जितने भी गुण गाऊं कम है, न जाने पिछले जन्म में मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे कि इस जन्म में मुझे ऐसा दामाद मिला है जो हर लालच से दूर, जिसने किसी किस्म की कोई मांग मुझसे नहीं की। हे भगवान, ऐसा निस्वार्थी दामाद आज के युग में मिलना तो एक तरफ, सपने में भी दिखना मुश्किल है। मैं चाहता हूं भगवान, दुनिया में हर मां बाप को ऐसा ही दामाद मिले और ऐसे ही रिश्तेदार मिले जैसे कि मेरे दामाद का मामा है शादीलाल। मां मैं क्या सोच रहा है? भाणजे, तेरी मोहब्बत के चक्कर ने मेरी सोने की चेन बिकवा दी, उंगली में एक अंगूठी थी वो भी बिकवा दी, पर्सनैलिटी के लिए सोने का दांत मुंह में था वो भी बिकवा दिया। मां मैं तो हर वक्त अपने बारे में सोचता रहता, जरा मेरे बारे में सोच, मैंने क्या क्या सपने देखे थे। ब्याह करके हनीमून करने स्विट्जरलैंड जाऊंगा, लेकिन अब तो जिंदगी में ना स्विट्जर है, ना लैंड है, ना हनी है, ना मून है। हम लोग खड़े कहाँ हैं? हम लोग तो सिर्फ खड़े दिखाई दे रहे हैं। जीजा जी, हमने आपके हनीमून का पूरा इंतजाम कर दिया है। अच्छा, और भी इंतजाम किए हैं आप लोगों ने? जीजा जी, आपको पता है घर में दुनिया भर के मेहमान आए हुए हैं, पैर रखने को जगह नहीं है। कहाँ से होगी, घर इतना छोटा है, पैर रखो तो घर खत्म हो जाता है। हाँ, तो इसीलिए हमने आपकी सुहागरात का इंतजाम तबेले में किया है। अच्छा, मामे तबेले में इंतजाम किया है, तबेले में। मैं तुमसे कहना चाहता था, मैं ये कहना चाहता था, कहना ये था मुझे, ये मुझे कहने दे तो मैं पूरी रात यूं ही कहने में ही गुजार दोगे क्या? झमेले में बज गया तबला तबेले में, अरे
चलेंगे या भोपाल चलेंगे, हाँ झुमरी तलैया नैनीताल चलेंगे, शिमला चलेंगे या भोपाल चलेंगे। इन भैंसों की नानी मर जाए, इन भैंसों ने मेरे इधर उधर सींग मार मार के मेरे शरीर में गुमड़े बना दिए। अरे शरीर क्या, तेरी तो पूरी जिंदगी में गुमड़े पड़ गए हैं। घर से गया, गांव से गया, अब नौकरी से भी गया। अगर ऐसे ही बुरा टाइम चलता रहा ना तेरा, तो मन ने भी कुछ सोचना पड़ेगा। बस मामे तेरी सोच से तो मैं बर्बाद हुआ, तू अब मत सोच, मत सोच तू। और मामे मेरे जख्मों को गोदाम समझ कर उसमें क्यों नमक भर रहा। क्या बात है बेटे, आते आते तुम लोगों की बातें सुनी बड़े उदास लग रहे हो। कुछ नहीं जी, वो कलेजे पे टेंट साइज के छाले पड़ गए हैं ना, वो फूट रहे हैं। अरे किस बात के छाले फूट रहे हैं, राजा जी की नौकरी चली गई इसलिए? देखो बेटे डरने की कोई बात नहीं है, पायल ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं सेठ धनपत राय से बात करके सीधा नौकरी पे लगा दूंगा तुम्हें। मामे सेठ धनपत राय नाम सुना सुना नहीं लग रहा। अरे हमारे सेठ जी, मैं उनका मामूली माली हुआ तो क्या हुआ, मेरा भी कुछ हक बनता है उन पर। लेकिन एक बात है बेटे, हमारे सेठ जी कोई भी काम दे कैसा भी काम दे उन्हें इनकार मत करना, क्योंकि सेठ जी आदमी की वफादारी और ईमानदारी का इम्तिहान लेते हैं, और अगर आदमी उन्हें पसंद आ जाए तो सीधा नौकर से जनरल मैनेजर तक बना देते हैं। तुम लोग तैयार हो जाओ, मैं आज ही मिलाता हूँ सेठ जी से, ठीक है? अरे बाजे, मामे मामे, मैं जिस आदमी का दामाद बनना चाहता था उसकी नौकरी नहीं करूंगा, मैं नौकरी नहीं करूंगा। पागल हो गया क्या, नौकरी नहीं करेगा तो मेरे सुनने का दांत वापस कैसे आएगा? मामे तू कितना दांत दांत कर रहा है, अभी तूने दांत की बात की तो मैं तेरा दूसरा दांत भी तोड़ डालूंगा, कल रात से दांत दांत सुन के मेरे दिमाग की दही होगी। मेरे सारे दांत तोड़ दे, पर तने नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। मामे जब तेरे को मारू मैं हराम खोर हूँ, मुझसे नौकरी क्यों करवा रहा है? भाड़ दिए मामे, भाड़ दिए मामे, भाड़ दिए। अच्छा करता वो है हमारे सेठ जी, ये बैंक अकाउंट और ये चेक हमने भेज दिया है। सेठ जी ये मेरा दामाद है। उस दिन ये शादी में तो बहुत दुबला था, ये अचानक इतना मोटा कैसे हो गया? नहीं 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 सेठ जी, मैं तो राजा का मामा हूँ, इनका दामाद तो मेरे पीछे खड़ा है। आजा भाणजे। मामे सामने से हटेगा तो आऊंगा ना, वजन भारी है टाइम लगेगा, जल्दी करना। अच्छा ले फिर, नमस्ते जी। मैंने तुम्हें कहीं देखा है? नहीं सेठ जी, मेरी याददाश्त बहुत तगड़ी है, आपने मुझे कहीं नहीं देखा। तुम जाओ। ओके सर। नहीं नहीं, मैंने पहले तुम्हें कहीं देखा है। सेठ जी आपने उसे शादी में देखा होगा। अरे शादी में तो ये शेरे में था, मैंने इसकी शक्ल देखी नहीं, मैंने कहीं और से देखा है। सेठ जी छोटे मोटे लोगों को आपने देख भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है? मैं आपके पास इसलिए आया था कि आजकल हमारे दामाद बेकार है, बस छोटी मोटी नौकरी पे लगा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। सेठ जी, सेठ जी वो किशोर भाई है ना बीमार हो गया है, इसलिए काम छोड़कर नेपाल चला गया है। बस सेठ जी उसी की जगह पर लगा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। वो करता क्या था? झाड़ू पोछा। मुझे वो तीनों ड्राफ्ट रेडी चाहिए जी, और वो जो 4 बजे की मीटिंग है उसके लिए सबको बोल दिया है ना जी। द मीटिंग हैज टू हैपन बिकॉज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर। मैंने तुम्हें कहीं देखा है? नहीं देखा है सेठ जी, मैं बोल रहा हूँ ना, आपको देखा होता तो मैं आपको बोल देता। नहीं देखा है, नहीं देखा है, मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं देखा है सेठ जी, मैं बोल रहा हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ, आपने मुझे देखा होता तो मैं आपको बोल देता। नहीं देखा है सेठ जी, नहीं देखा। देखा बोल रहा है, मैं क्या? राजा जी की ससुर। काका काका काका, देखिए कौन आए, आपके समझिए समझन आए। अरे नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बहन जी।
अरे आप इस गरीब के घर पधारे, बड़ी मेहरबानी हुई आपकी। अरे तू खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है, जा जाकर पायल से कह कि उसके सास और ससुर जाएं। जवाब जल्दी। जी साहब। जी एक बात पूछो। जरूर पूछिए, बुरा मत मानिएगा। ये आप ही राजा के ससुर हैं? जी हाँ। आपको कोई शक हो रहा है? तो फिर आप ये घास क्यों काट रहे थे? हाँ। वो तो मेरा पुश्तैनी काम है। पुश्तैनी काम? लीजिए समझ लीजिए, आपकी बहू भी आ गई। आइए आइए। नमस्ते माँ जी। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। अरे नमस्ते बाबूजी। जीते रहे बेटी, जीते रहे। अरे बेटा तू तो काला टीका लगाया कर, कहीं तुझे किसी की नजर न लगे। देखिए जी, आप तो हमेशा मेरे बेटे को निकम्मा नालायक कहते थे, लेकिन उसने एक ही काम जिंदगी में ऐसा किया है जिससे उसके सारे ऐब धुल गए। हमारे लिए चांद सी बहू जो ले आया है वो। बेटी मुझे अपना ससुर नहीं अपना बाप समझना, और मुझसे वही लाड मांगना है जो बेटी अपने बाप से मांगती है। और बेटी मैं थोड़ा सनकी हूँ, कभी कोई गड़बड़ करूँ तो संभाल लिया करना। अजी इससे सिर्फ आप बातें ही करते रहेंगे या जो तोहफा लेकर आए हैं वो भी देंगे? अरे ऐसी बहू मिली है कि जी करता है पहले दिन ही दिल की किताब इसके सामने खोल के रख दूंगा। ले बेटी ले। अजी भाई साहब हमारा बेटा कहाँ है? अंदर है ना भाई जी, आइए। राजा? हाँ हाँ जीजा जी। बाबूजी कैसे आ गए? माँ। राजा जी मेरा चांद। जीजा बाबूजी कैसे हो भैया? जीजा जी तू वहां से तो बड़ी बड़ाइयां मार कर आया था कि मैं करोड़पति की बेटी से शादी करूंगा, यहाँ के झाड़ू मार रहा है? हाँ? ये पूछा मार रहा है ये क्या? बाबूजी मैं तो आप ही के कहने पर अमल कर रहा हूँ ना। मेरे कहने पर? मैंने तो इससे कहा था झाड़ू मारने के लिए। हाँ तो आपने तो कहा था कि अपने घर का काम खुद करना चाहिए, और आप मेरे ससुर जी को देखिए ना कितने बड़े आदमी, मगर बाहर देखिए कैसे घास काट रहे हैं। जी जी अब आयो तो दो चार घंटे तो इधर रहोगे ना। दो चार घंटे क्यों, हम हफ्ता रुक के जाएंगे पूरा। हा? जी जी ऐसा करते हैं हम ना आपके रहने का इंतजाम पीछे गेस्ट हाउस में कर देते हैं। इतना अच्छा घर छोड़ के मैं गेस्ट हाउस में रहूंगी? ओ जी जी आप रह नहीं सकती हो ना यहाँ पर, यहाँ पर है ना पेस्ट कंट्रोल चल रहा है। काहे का कंट्रोल? वो शहर में ना कीड़े मकोड़े बहुत होते हैं, तो उनको मारने के लिए ना दवा छिड़कनी पड़ती है, दो तीन दिन के लिए घर बंद रखना पड़ता है, और लोगों को है ना गेस्ट हाउस में रहना पड़ता है, तो हमें ना सारे वहीं पे एक साथ इकट्ठे रहेंगे। हम लोग सब इकट्ठा रहेंगे। अरे फिक्र मत कर बेटा, हम लोग तुझसे थोड़ी मिलने आए थे, हम तो बहू से मिलने आए थे, उसको आशीर्वाद देने आए थे, उसे मिल लिए आशीर्वाद दे दिया, हमारा काम हो गया, अब यारों की क्या करेंगे, शाम वाली गाड़ी से चले जाएंगे। हाँ। अरे भाई साहब ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, अभी तक आपने हमें सेवा का मौका भी नहीं दिया और आप जाने की बात कर रहे हैं। भाई साहब क्या है, ये अपने बेटे से मिलने की जिद कर रही थी, वरना फुर्सत है ही नहीं, फसल पक के तैयार खड़ी, एक दिन भी देर की तो सारी फसल खराब हो जाएगी, अब फिर अपने घर की बात है फिर आ जाएंगे। हाँ। ये भी ठीक है, तब ऐसा कीजिए दो महीने बाद हमारी बेटी सोनिया की सगाई है, तब आप जरूर आइएगा। जी हाँ। सोनिया कौन है? बाबूजी मेरी साली समझिए ना। तू तो कह रहा था कि पायल इनकी इकलौती बेटी है, तो फिर उसकी बहन कहां से आई? तो मैंने कब कहा कि सगी बहन है, मगर सगों से भी सगी है, इसलिए उसकी सगाई है। मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। अरे इसका काम तो हो गया, पर मैं तो अपना सेहरा लेके अभी तक भटक रहा हूँ, कोई है क्या, कहाँ है शादी लाल की शादी के लिए? सासू जी थारू लल्ला मचाए रात हल्ला, सासू जी थारू लल्ला।
हांग कांग से लिए ना। अरे थैंक यू यार, चाहिए पी लो ना, मैं बोल रहा हूँ, अरे पी लो ना। अरे बाबा बोला ना नहीं चाहिए। अरे पी भी लो यार। मैंने तुम्हें कहीं देखा है? मैंने भी आपको कहीं नहीं देखा है। कहीं नहीं देखा? अली सिद्धांत, ए काम हो चुप होते जा रहे हो लखपति सेठ? आपको बोल रहा हूँ भाई साहब। मैं तेरे से कह रहा हूँ, तेरे से कह रही हूँ लौटने की बात। मैं? वाह वाह क्या शान है, है जी, क्या शानदार कपड़े पहने हैं। ये कपड़े उसी करोड़पति सेठ ने मड़वा के दिए ना, जिसकी टेक्सटाइल की मिले हैं, गाड़ियों की फैक्ट्री है। और तेरे को वेटर की नौकरी करनी थी तो मेरे से कह देता, मैं तेरे को घर में ही नौकरी दे देता, गांव की इज्जत तो रह जाती। है जी तो मेरे साथ ऐसी बातें क्यों कर रहा है, मैं तो तेरे को जानता भी नहीं यार। क्या राजा मेरे को भी नहीं जानता क्या? अरे मेरे को भी नहीं जानता क्या? अरे उधर हवा में क्या देख रहा है, इधर देख, तेरे मुंह पे अलीगढ़ का ताला लग गया क्या? बहुत बड़ी बड़ी बातें करके मेरी नौकरी को लात मार के निकल गया था कि तू किसी करोड़पति सेठ की एकलौती बेटी से शादी करने वाला है, तो फिर यहाँ वेटर बन के काहे को घूम रहा है? सेठ जी क्या बात है, क्यों आप लोग मेरे दामाद का मजाक उड़ा रहे हैं? इसलिए कि एक दफा ये हमारे मुंह पे थूक के हमारा मजाक उड़ा के गया था। नहीं नहीं सेठ जी, ये ऐसा नहीं कर सकता, ये बहुत नेक और शरीफ बच्चा है। शरीफ? और ये अगर ये शरीफ है तो दुनिया के सारे शरीफ बदमाश हैं। अरे ये एक नंबर का फ्रॉड है, तू इसको जानता नहीं है। ये मेरी ऑफिस में काम करता था और नौकरी के लिए ऐसे सर्टिफिकेट्स लेकर आया था जो मैंने जिंदगी में नहीं देखे थे। बीए का सर्टिफिकेट नकली, मार्कशीट जाली, और जब मैंने इसे सवाल किया तो ये कहता है, करोड़ी तू काहे का सेठ है, तेरे से भी बड़ा सेठ मैं बहुत जल्द बनने वाला हूँ, तेरी ऑफिस के कागजात तैयार रखना, मैं उसे खरीदने वाला हूँ। ओ याद आया, तुम इसके ऑफिस में थे, इसकी फैक्ट्री खरीदने की बात कर रहे थे, मैं भी उधर था, और तुमने मुझसे कहा था कि जब दो बड़े आदमी आपस में बात कर रहे हों तो मुझ जैसे छोटे आदमी को बीच में टांग अड़ाने की क्या जरूरत है। अरे धनपत राय जी आप भूल गए, इसने हमको भिखारी कहा था और ये भी कहा था कि आप जैसे भिखारियों को अमीरों का पता पूछने की पुरानी आदत होती है, और कहा था कि चौराहे पे खड़े रहकर भीख मांगोगे, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। कहा था ना, भूल जाओ, पार्टी है, कम एंड एंजॉय योरसेल्फ। कम बेटा कम 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 कम, फॉरगेट इट, आइए आइए आप भी आइए, कम कम चीयर अप। अबे अपने सूट के बटन खोल के उसमें अपनी औकात टटोल, अबे टटोल भी रहा है बेवकूफ, सारे भूल गया। अबे जिस गांव के अंदर तू भैंस चरा कर गोबर बेच कर रोटी खाया करता था, उस गांव के सरपंच का इकलौता बेटा हूं मैं, और इस महफिल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सूट में अपनी औकात छुपो के बैठे हैं और चोटे। अबे तू खुद इस करोड़पति की मोटी बेटी को पटाकर खुद करोड़पति बन गया, ये मोटी चश्मे वाली को वो चल गया। अरे लाखों करोड़ों लड़के अमीर बनने का सपना देखते हैं, तो मैंने देखा तो कौन सा पाप किया है? अरे मैंने अगर चाहा कि मैं करोड़पति की बेटी को फंसाकर खुद करोड़पति बन जाऊं तो मैंने कौन सा पाप किया? इसमें मेरी क्या गलती है? मगर अफसोस मेरी तकदीर बड़ी खराब निकली। अरे मुझे क्या पता था कि जिसे मैं करोड़पति की बेटी समझकर डोले डाल रहा हूं वो करोड़पति की नहीं
एक फुक्कड़ वाले की बेटी निकलेगी। ये तुम क्या कह रहे हो बेटे? अब हिंदी बोल रहा हूँ मियाँ, एक मिनट। ये अरे मैं अकड़ का अंधा, तुमको शेर धड़पत रहा है, इस बंगले और कोटी का मालिक समझता रहा। मालिक क्या यार, तुम तो कंगाल पति निकले। मैं सच बोल रहा हूँ यार, बुरा नहीं मानना यार, तुम्हारी बेटी से शादी करके मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। आप खामखा पिताजी पर इल्जाम लगा रहे हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो अमीर है, उन्होंने आपसे कभी अपनी हैसियत नहीं छुपाई। आप घर चलिए। अबे हटो, हकीकत नहीं छुपाई तूने, छुपाई हाँ, इनको क्या हक है इतना खूबसूरत लगने का। अमा तुम गरीब हो, गरीब लोगो रोज नई गाड़ियों में घूमना, रोज नए कपड़े पहनना, रोज क्लबों में जाना। अब मैं तो फ्रेम में आ गया यार, मुझे क्या मालूम। अगर मुझे मालूम होता कि तुम एक मालिक की बेटी हो तो मैं तुमसे शादी करता। कलवे, अबे सारे गोबर में फंसे हुए तलवे, अबे डर मत, इधर आया यार। अच्छा किया तूने यार मेरी पोल खोल गई, बहुत अच्छा किया तूने। अरे मैं तो बहाना ढूंढ रहा था यार कि मैं कैसे अपने बीवी को छोड़ कर यहाँ से भाग जाऊं। अरे यार मैं सच्ची बोलूं यार, मुझसे नौकर का काम नहीं हुए, मैं बहुत थक जाता हूँ यार। मैं तो भागने का बहाना ढूंढ रहा था, मेरे को चांस मिल गया। कहाँ सोच रहा था कि बीवी के साथ ताज में खाना खाऊंगा, ये ताज के बहरे का टुप्पा पहना दिया मेरे को। ए मामे, ओ चलो चल भाग जे। नहीं राजा, नहीं राजा, ऐसा नहीं करते। तेरी बात सुन, वो तुम्हारी ब्याहता है, उसका कोई कसूर नहीं है। चाहे तो मुझे जूते से मार ले, लेकिन उसे छोड़कर मत जा। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी को छोड़कर मत जाना राजा। ये होता है यार, मैं राजा, मेरी बात सुन राजा, मेरी बात सुन। अरे मेरे से इतना काम नहीं होता यार, बर्तन मांजो, कपड़े धो। मामे ये फटका मार के जो मेरे को जिंदगी में फटका लगा है ना, क्या बोलू मैं मामे, मैं बर्बाद हो गया। ना बेटे ना, रोते नहीं। मैं जानता हूँ वो बहुत नेक और अच्छा लड़का है, वो तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता बेटी। वो वापस आएगा, देखना कल सुबह जरूर वापस आएगा वो। बेटा आएगा, शराब पीकर जवानी में कौन नहीं भागता है। अगर वो भाग गया तो इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। कम ऑन, चेयर अप, चेयर अप फ्रेंड्स, कम ऑन चेयर अप एंड एंजॉय योरसेल्फ, कम ऑन। मैं हूँ भाण जी, वो कहावत सुनिए ना, तन्ने घर के बुद्धू लौट कर लौट के आए। मामे तू सच बोलता है ना, मेरा मूड खराब हो जाता है। ले पूरा घर और ये रहे बुद्धू। अरे अरे तारो कोई राजा जी, बाबूजी बाबूजी, आ गए। कौन? क्या बोल रहा बेटा? दोनों। कौन दोनों? अरे वही मामा जी और राजा जी। राजा जी कैसा है तू? ठीक हूँ। जीते रहे। अरे मगर बहू का है? आप भी कमाल करते हैं, बहू पहली बार घर आ रही है तो जाहिर है टांगे में होगी। अरे भाई अभी तक उसका गृह प्रवेश नहीं हुआ तो घर के अंदर दाखिल कैसे हो सकती है। ठहरो मैं आरती लेके आती हूँ। बहू नहीं आई है माँ। बहू क्यों नहीं आई? जीजा जी आपको तो पता है वो महलों में रहने वाली अमीर लड़की है। हाँ। तो उसने है ना शहर छोड़ के गाँव के मामूली झोपड़े में आने से साफ इनकार कर दिया। हाँ। जी जी पता है वो करोड़पति बाप की इकलौती बेटी है ना। हाँ। पहले तो राजा जी की जवानी पे विदा हो गई, फिर उसे प्यार करने लगी, और फिर दो चार दिन में ही है ना उसके प्यार का रंग उतरना चालू हो गया। और माँ जैसे ही उसको मेरे गरीबी के रंग के बारे में पता लगा ना, उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। बात बात पर ताने देने लगी, फिर बात गालियों तक पहुंच गई। और उसका करोड़पति बाप है ना माँ, अरे वो तो मेरे साथ नौकर वाला बर्ताव करने लगा। बाबूजी ने तो अपनी आंखों से
बेटा, झूठ की उम्र बहुत कम होती है। झूठ जिए 4 दिन और सच जिए 1000 दिन। और वो कौन से करोड़पति सेठ की बात कर रहा है जिसने तेरा अपमान किया? मेरे ससुर जी बाबूजी सेठ धनपत राय जी। बेटा, जवानी में तेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। तेरे ससुर का नाम सेठ धनपत राय नहीं है, प्रताप सिंह है। हाँ, प्रताप सिंह जो धनपत राय की यहां अदना सा माली है, उसका नौकर है, सर्वेंट्स क्वार्टर में रहता है। वहां तूने हमसे लाख झूठ बोला मगर मैं वहीं पहचान गया था। मगर फिर भी तेरी इज्जत के लिए मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा, वरना तू अपने ससुराल में अपने ससुर के सामने अपनी पत्नी के सामने शर्मिंदा हो जाता, पानी पानी हो जाता। जहां तक मेरी बहू का संबंध है, वो तो साक्षात देवी है। वो लड़कियों में से जो सुख में कम और दुख में ज्यादा साथ देती है। उसने तेरा साथ नहीं छोड़ा है कम्बख्त, तू उसको छोड़ के भागा है, क्योंकि तूने उसकी दौलत की लालच में उससे शादी की थी। और जब तुझको उसकी गरीबी का पता चला तो तेरे दौलत के अरमान टूट गए, तेरे सपने खाक में मिल गए और तू मौका देकर वहां से भाग निकला। ये है तुम्हारा बेटा, ये। राजा जी, राजा जी, क्या ये सच है? तेरी खामोशी कह रही है कि तेरे मन में चोर है। तूने उसे छोड़ने की हिम्मत कैसे की? तूने अग्नि के सामने उसके संग 7 फेरे लिए थे। अरे, हर फेरे के साथ एक वचन होता है, एक कसम होती है, एक वादा होता है। नालायक, हर कसम हर वादे को लात मार के चलाया। आज तक जो कुछ भी तूने किया अपनी मर्जी से किया, आज तू मेरा फैसला सुन। आज के बाद तुझ पर इस घर के दरवाजे बंद, और इस घर के दरवाजे उस वक्त खुलेंगे जिस दिन मेरी बहू मेरे घर की इज्जत इस घर में वापस आएगी। आज के बाद हमेशा के लिए ये दरवाजे तुझ पे बंद, बंद है तुझ पे। मां, मैं वहां नहीं जाऊंगा, तू बाबूजी को समझाना। बाहर का रास्ता उधर है। मां, इस जगह पर मेरा भी बराबर का अधिकार है, मैं नहीं जाऊंगा। हाथ उठा ले बगाड़ से। मैं तेरी मां को है ना तेरे जन्म होने के पहले से जानता हूं। तेरे को क्या लगता है तेरे को घर से बाहर निकालने के बाद वो क्या चैन से बैठी होगी? अरे, निवाड़ा तक मुंह में नहीं गया होगा उसके। नहीं, वो तो मेरे को मालूम है। जब भी कोई मां अपने जवान बेटे पर हाथ उठाती है ना, तो कसूर हमेशा बेटे का ही होता है। लेकिन मां ने मेरे को थप्पड़ मारा ना, मां में मेरे को अच्छा नहीं लगा। क्या मतलब? मतलब ये कि जितनी बड़ी गलती मैंने की थी ना, माँ को मुझे जूता मारना चाहिए था। न जूते खाने का इतना ही शौक है तो माँ घर पे और जूते मेरे पास है, चल वापस चढ़ते हैं। बड़ा होता होड़ा हो रहा है तू मुझे जूता मारने के लिए है? अरे अरे, अगर मैं घर वापस चला गया ना तो अपनी बीवी से माफी मांगने के लिए मुंबई कब जाऊंगा? मामे, चल यार मुंबई चलना है मेरे को। अरे, पर मुंबई जाने के पैसे कहाँ है? एक मिनट देखा ना, अब क्या देख रहा है, क्या चेक कर रहा है? अरे, चेन बेच दी, अंगूठी बेच दी, दांत बेच दिया, अब क्या मन ने बेचेगा? अरे, तेरे को तो कसाई भी नहीं खरीदेगा मामे। अरे अरे, तू कुछ सोच ना, जाए तो जाए कैसे? ना तू भी तो सोच सकता है। अरे, मेरे पास इतनी अक्कल होती तो मैं तेरे साथ थोड़ी रहता। ना फिर भी सोच, तू ही सोच। ठीक है मामे, सोच लिया। सोच लिया, चलो
चलो ठीक है। तो कहाँ मर गए सबके सब जुदाई? और मैंने 8 बजे पहले पहले मुंबई के लिए निकलना है। पापा जी अगर आप बुरा ना माने तो ये सारी की सारी बोरियां उठाकर मैं ट्रक में रख दूं, इस हमाले के बदले आप मुझे मुंबई ले जाओगे? ओ पापा जी अगर मैं ये बोरियां अंदर ना रखूं और हमाली ना करूं तो आप मुझे मुंबई ले जाएंगे? अरे आप इनकी बातों का बुरा मत मानिएगा, इनकी तरफ से भी मैं हमाली कर दूंगा। पक्की बात है? हाँ जी पक्की। लग जा काम पे। धन्यवाद जी। ठीक है तू बोरी उठा मैं अंदर बैठता हूँ। हाँ बैठ जा मामे।
ओ पापा जी, आपने ट्रक क्यों रोक दिया? बात दरअसल ये है, जब तक दो चार रोटी से पेट बुझाना कर लूं, तो ये गाड़ी नहीं चलती मुझसे। और चार दिन का सफर है। डैडी, ये लीजिए प्रताप अंकल के लॉटरी के टिकट, चेक कर लीजिए। पकड़ जा रहा प्रताप, प्रताप! क्या हुआ मालिक, क्या हुआ मालिक? अरे प्रताप, तेरी 10 करोड़ की लॉटरी निकली। मेरी और लॉटरी? नहीं सेठ जी, ठीक से देख लीजिए एक बार। देखकर तो बता रहा हूं प्रताप, 10 करोड़ की लॉटरी निकली है तेरी। 10 करोड़ की? और मेरी लॉटरी और 10 करोड़? मैं हम अमीर हो गए बेटी, मुझे यकीन नहीं आ रहा हम लोग अमीर हो गए। 10 करोड़ के मालिक हो गए हम लोग। 10 करोड़ के मालिक हो गए हम लोग। बेटी बेटी, हम अमीर हो गए, अमीर हो गए हम लोग, अमीर हो गए। रुक रुक भाई, रुक, कर रही है बम्बई बच्चे। भाई वाह, ले भाई बाकी से पैर रख ले, चल ले उतर। ओजी मैं फंस गई हूं, थोड़ा धक्का मार दो। धक्का? एक बार और मार दो जी। ओए किन्ना खांदी यार जी। ओ दीदी दा पुत्र है, चुक। ओ मेरी बेला चाचा जी। अरे रुको बेटा रुको, तुम भगवान लो कर लो गल, आपने हमको नहीं पहचाना। चुप है, पता शता है नहीं, आपने हमको नहीं पहचाना। ओ जी, पहचानेंगे भी कैसे, हम पहली बार फगवाड़ा से जो आए हैं। हाँ जी। अरे कहीं तुम बनवारी के पुत्र तो नहीं हो? आहो जी। अच्छा अच्छा, और ये लोग क्या, मैं तो रुकिया सी ना, चाचा जी रूप 20 साल बाद मिला ना, तभी मैंने पहचान लेना। आहो जी। अरे पायल पैर। दीदी। चुप कर फतेया। ओए होए, मैं सदके जावा, मैं वारी जावा। इन्नी सोनी कुड़ी, इन्नी सुशील कुड़ी नू, वो नसीबो जला छड़ के चला गया। कुत्ता, कमीना। लेकिन चाचा जी, आप चिंता छड़ दो कि इससे शादी कौन करूंगा। हम कुर्बानी देंगे चाचा जी, हम आ गए हैं ना, ये मेरा छोटा प्रो चिंदा, ये करेगा इससे शादी। हाँ जी। राजा भैया, आप किससे मिलने आए हो? मैं अपने पायल को लेने आया हूं। अब वो यहां नहीं रहती। यहाँ नहीं रहती तो कहाँ गई? उन्होंने नया बंगला खरीदा है, उनको 10 करोड़ की लॉटरी लगी है। 10 करोड़? अरे भांजे सुना तने, 10 करोड़ की लॉटरी लग गई उनको। हमें, मैं अपनी दीदी को लेने आया हूँ, पैसा मांगने के लिए नहीं आया। पैसा मांगने नहीं आया? तो फिर तू जा, मेरा यहाँ का काम। हाँ तो तू जा यहाँ से। मैं जा तो रहा हूँ। तो जा ना यहाँ से। ना ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, कितना टाइम लेना जाने में? ये तो बड़ी इंसल्ट कर दी तने मेरी। ना मैं जा रहा हूँ। अच्छा भांजे, तूने आज है ना अपने मामे का दिल तोड़ा है, तोड़ा है तूने दिल। अरे जिंदगी और पैसा कमाने का सपना देखा, और आज जब पैसा मिल रहा है तो उसे लात मार रहा है। पर मैं भी है ना तेरा दिमाग ठीक करके रहूंगा। ठीक हो रहा बाबा? ये ले बालिके, तेरा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, जाओ। पापा जी, पापा जी, केक वाले पापा जी, हो रही है। पापा जी, अगर आपने मेरी इच्छा पूरी नहीं की ना, तो मैं आपके पैर में क्या पूरे बदन में गुदगुदी कर दूंगा। पैर छोड़, पैर छोड़। बोल तुझे क्या दुख है? दुख की स्टोरी इस तरह है कि मेरा एक है ना भाणजा है, नाम उसका है राजा। मैं ना बहुत प्यार करता हूँ उसको। मैंने है ना उसकी पर्सनैलिटी बढ़ाने के लिए अपनी पर्सनैलिटी दांव पे लगा दी। जबकि मैं है ना उससे ज्यादा स्मार्ट हूँ, ज्यादा हैंडसम हूँ, ज्यादा डैशिंग हूँ। क्या बात कर रहे हो बाबा जी? मैं थोड़ा छोटा हूँ, थोड़ा काला हूँ, थोड़ा मोटा हूँ, लेकिन मेरी बाकी बॉडी है ना एकदम सलमान खान की तरह है। जानम समझा करो, जानम समझा करो बाबा जी, समझा करो। और ऐसा कुछ कर दो कि मेरी करोड़पति लड़की से शादी हो जाए, ताकि मैं ना दुनिया के किसी भांजे पे डिपेंडेंट ना रह सकूं। अरे इस बाबा की ताकत को तू जानता नहीं, अगर मैं चाहूं तो हवाओं का रुख बदल कर पहाड़ों में सुनाख कर दूं। जानता है ये क्या है? ये चाकू है। चाकू के नीचे क्या है? चाकू के नीचे केके है। केके नहीं, केक।
केक है, केक। हाँ केक है। ये कोई मामूली केक नहीं, बाबा का केक है। असर किए बिना वापस नहीं आता। ये ले बालक, ये केक तू जिसको खिलाएगा वो तेरे प्यार में दीवानी होकर ऐसे भागेगी जैसे मजनू के पीछे लैला, रोमियो के पीछे जूलियट, उसके पीछे वो, उसके पीछे ये, तेरे पीछे कौन, समझ गया? समझ गया, समझ गया, समझ गया मैं। सेक्रेटरी, यस, वो 20 लाख का जो चेक है ना, वो खन्ना एंड खन्ना कंपनी को भिजवा देना। 20 लाख? हेलो, अमेरिका से? एक मिनट मैडम, आपका अमेरिका से फोन। अमेरिका से? हेलो, लक्ष्मी स्पीकिंग। अच्छा, वो आपकी कंपनी में हमारा जो एक्स्ट्रा पेमेंट आ गया है $3 लाख का, वो पेमेंट 7 दिन के अंदर भिजवा दीजिए। ओके। ओ देवी जी नमस्कार। घबराओ नहीं, मैं तो आपको बस ये केक खिलाना चाहता हूँ। केक? हाँ, आज मेरा है ना हैप्पी बर्थडे है जी। ओ जी, खा लो ना जी, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। एक तो मेरे भाणजी ने मेरा दिल तोड़ा है, और अगर आपने भी मेरा दिल तोड़ दिया ना, तो मैं तो पूरा ही टूट जाऊंगा जी, और टूटता हुआ मैं बड़ा अजीब सा लगूंगा जी। ओके ओके जी। लूसी माय लिटिल गर्ल, आज इनका बर्थडे है ना, चलो केक खा लो। अगर केक खा लिया तो शादीलाल के पीछे शादी करने के लिए भागेगी। शादीलाल भाग भाग। अरे लूसी, कम बैक लूसी। अरे शादीलाल भाग, अरे 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 पीछे, अरे अरे बाहर, अरे पेड़। अरे मेरी माँ, अरे बस कर, बचपन से आज तक मैं कभी पेड़ पे नहीं चढ़ा, लेकिन कुतिया की बच्ची तूने है ना मेरे को आज पेड़ पे भी चढ़ा दिया। अरे मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू चली जा। अरे चली जा, मेरा इंतजार क्यों कर रही है तू? अरे चली जा। अरे अरे कहाँ घुसे जा रहे घर के? तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि किस आदमी से कैसे बातें करनी चाहिए? जानते हो ये कौन है? इस घर का दामाद है दामाद। सॉरी साहब। कोई बात नहीं भैया। सॉरी साहब। कोई बात नहीं भैया। सॉरी साहब। जाना यार। अरे नहीं 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 बेटे, उठो उठो। ससुर जी, मैंने जो गलती की उसके लिए मैं माफी मांगने के लायक तो नहीं हूं, मगर मैं अपनी गलती का एहसास कर चुका हूं, और मैं अपनी धर्म पत्नी को लेने आया हूं। मैं जानता हूं बेटे, तुम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हो, उसके बगैर तुम रह नहीं सकते। मैं तो यह भी जानता था कि एक दिन उसको लेने के लिए तुम वापस जरूर आओगे, इसीलिए मैंने तुम्हारी पत्नी को शादी के उसी लाल जोड़े में सजा के रखा है जिसमें उसने तुम्हारे साथ साथ फेरे लिए थे। वो कमरे में तुम्हारी पत्नी इंतजार कर रही है, जाओ उसे ले जाओ। देख क्या रहे हो बेटे, उठाओ और ले जाओ अपनी पत्नी को, यही है तुम्हारी असली मोहब्बत, असली धर्म पत्नी। अरे तुम्हें मेरी बेटी से नहीं, इन पैसों से प्यार था। इन पैसों के लिए तूने मेरी बेटी से शादी की थी, इन्हीं पैसों की वजह से सबके सामने तूने मुझे जलील किया था, और इन्हीं पैसों की वजह से तूने मेरी बेटी को ठुकरा दिया। अरे बेटी का दर्द तो वही समझ सकता है जिसकी खुद की बहन या बेटी हो, तू क्या समझेगा? तुम्हें पैसा चाहिए ना, उठाओ उठाओ जितना उठा सकते हो, और अगर ये भी कम है तो दूसरा कमरा नोटों से भरा हुआ है लेके जा। लेकिन एक बात याद रखना, पैसा दे रहा हूं, बेटी कभी नहीं दूंगा। मुझे गलत समझ रहे ससुर जी, आप मुझे गलत समझ रहे। ओ भाई, बड़ा बेशरम आदमी है तू, अभी तक यही खड़ा। अरे भाई, इसको तो मालूम नहीं कि यार खड़ा क्यों है, इसकी जगह कोई और होता तो गांव का टिकट कटा के फौरन यहां से चले जाता। मैं जाने वालों में से नहीं हूँ, पहुंचाने वालों में से हूँ। हां जी जी हां, इनकी तो सुन रहा हूं, आपकी क्यों सुनूं? ये पति पत्नी के मामले में आप क्यों बोल रहे हैं भाई? पत्नी? कौन सा पति ये बात कर रहा है भाई? जिसने सारे शहर के सामने अपनी बीवी को जलील करके उसे ठोकर मारकर चला गया। अरे मर्द पत्नी की इज्जत और आबरू के लिए अपनी जान दे देते हैं, उसे सरे महफिल बदनाम नहीं किया करते, और तुमने तुमने तो सारी कहानी ही खत्म कर दी। लेकिन फिर भी एक सलाह देती हूं,
तुम जवान हो, दोबारा शादी तो करोगे ही, लेकिन जिस लड़की के साथ भी दोबारा शादी करो, उस गरीब को कभी किसी के सामने जलील मत करना, उसे मेहनत की रोटी खिलाना, क्योंकि मेहनत की रोटी के एक निवाले के लिए पत्नी अपने बाप की करोड़ों की दौलत को ठुकरा सकती है, लेकिन शायद तुम ये नहीं समझोगे। तुमने बिल्कुल ठीक समझा। जाने अनजाने मैंने ऐसे रास्ते पर कदम रख दिया है कि मैं जितना आगे बढ़ता जाऊंगा मेरी मंजिल उतनी ही दूर होती जाएगी। ये बाबूजी ने बहुत पहले कहा था कि जब दिमाग काम नहीं करे तो बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो और आगे बढ़ो। तो भैया हम तो आगे बढ़ते। जैसा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट अगर इस फैक्ट्री को खरीद ले तो ये फैक्ट्री न जाने कहां से कहां पहुंच जाए। मैं तो कहता हूं ये हिंदुस्तान की टॉप फैक्ट्री बन सकती है। जी हां, टॉप फैक्ट्री। राजा, आप इसे जानते हैं क्या? अच्छी तरह से जानता हूं। ये यहां काम करता है? जी हां, आप काम की बात करते हैं, मैंने इस जिंदगी में काम के पीछे इतना दीवाना इंसान आज तक नहीं देखा। 3 महीनों से काम कर रहा है लेकिन 10 आदमियों का काम अकेला करता है। न जाने कौन सा जुनून सवार है इस पर, न जाने कौन सी दीवानगी है, जब भी पूछो अजीब सा जवाब देता है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा अजीब सा शेर पढ़ता है। कहता है जो दाग माथे पर है उसे पसीने से मिटाना है, जो इज्जत डूब गई है उसे किनारे लगाना है। बहुत खूब, आपकी मुलाकात करवा दूं मैं? नहीं, कोई जरूरत नहीं। और उसको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहां पर आया था। क्यों है कोई बात? आओ बेटा, आओ आओ बैठो। ये जो तुम्हारा बाप खड़ा है ना, इसके दिमाग में थोड़ी सी अक्कल डालो। क्यों, क्या हुआ? बेटे, ये जो पैसा होता है ना, इसके पांव नहीं होते हैं, लेकिन पांव वाले से 100 गुना ज्यादा तेज भागता है। इसलिए पैसे को भागने से रोकने के लिए उसके पाँव में बेड़ियां डालनी चाहिए। बेड़ियों का मतलब समझती हो? इन्वेस्टमेंट। मालिक, मैं तो एक गंवार आदमी हूँ। तुम चुप रहो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। नहीं ना, मैं बिटिया से बात कर रहा हूँ। बेटी, कल मैंने एक स्टील फैक्ट्री देखी है, उसके आगे बढ़ने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। मैं चाहता हूँ कि वो फैक्ट्री तुम खरीद लो। मैं? नहीं तो क्या, ये घास काटने वाला। मैं चाहता हूँ कि वो फैक्ट्री तुम खरीद लो। क्यों? जैसा आप ठीक समझे अंकल। तो फिर नेक काम में देर क्यों? उठो, आप उठिए, आप उठिए, आप उठिए, पहले आप उठिए, आप उठिए, आप उठिए। अच्छा ठीक है, दोनों साथ में उठते हैं। लेट्स गो, लेट्स गो। आप हटिए। पायल, पायल, मेरी प्यारी प्यारी बहन, कितने चलिया? एक पराठा तो खाती जा। भाभी मुझे भूख नहीं है। लोग कर लो गल, सवेरे से ना तूने कुछ खाया है ना कुछ पिया है, इस तरह कैसे चली जाएगी? एक पराठा तो खा ले बहन। चले अंकल। चलो। यहाँ तो बहुत गर्मी है। बस इतनी सी गर्मी से घबरा गई? जरा नजर घुमा के तो देखो। पश्चाताप की आग में सिर्फ कोई इसलिए जल रहा है ताकि उसकी बीवी इसको वापस मिल जाए। राजा भैया, आपको मैनेजर साहब ने बुलाया है। अरे भाई, इतनी जल्दी नहीं है, पहले खाना तो खा लो। अरे भाई, खाना तो जिंदगी भर खाया है, अब कुछ काम कर ले, बाद में खाना खा लेंगे। चलो चलते।
ये मेरा टिफिन कहाँ गया? राजा भैया चल यार, मुस्तफा टिफिन गया। नहीं नहीं, खाना है ना हमारे पास, दोनों बैठे खाना खाते हैं। चल साथ में खाते हैं, आज साथ में बिस्मिल्लाह करते हैं। के दिन हर सुहागन अपने पति के हाथ से कुछ लेकर करवा चौथ का व्रत खोलती है। आज तुम दूर ही सही, तुम्हारी छूटी रोटी खा लूंगी, मैं समझूंगी मेरा व्रत पूरा हो गया। अजिंदरा अजिंदरा, मेरे मखनो व्रत खोल लो, सिर दा कुछ खाता नहीं तो सुख गए तुसी। वही जो हर सुहागन अपने पति के लिए करती है। वो कर लो गल, कौन सा पति? आपके कितने पति हैं? अब एक कोई हैगा? मेरा भी एक ही पति है, राजा। हाँ? देखा देखा जी आपने, इसने राजा के लिए व्रत रखा, तभी तो मैं कहूँ कि सवेरे से इसने कुछ खाया पिया क्यों नहीं। ओ जी सुनो, अगर ये राजा के पास वापस चली गई तो फिर साडा की होगा? मेरे प्यारे मक्खनो, तुसी भी करना करो, तेरा अपने मक्खन का कमाल दे देखो। ए व्रत एदा राजे वास्ते आखरी है, आज दे बाद सारे व्रत साडे चिंदे वास्ते रखेगी। मैं जरा चाचा जी नु मिलवा पहले। अरे बस कर, और कितने दिन भगाएगी? पापा जी मेरे पैर, मेरे पैर। एक बार पापा जी, अरे मेरे को बचा लो। अरे भाग भाग के मेरे पैर में छाले पड़ गए हैं। इस शहर की कोई गली कोई सड़क नहीं बची जहाँ पर इसने मुझे ना भगाया हो। समझ गया बालक, लगता है वो तुमसे ज्यादा प्यार करने लगी है। प्यार है? तुम्हारा ये हाल देखकर लगता है तुमसे वाइल्ड प्यार किया है। कौन है वो तुम्हें भगाने वाली? लूसी। लूसी एक किसी जानवर का नाम लगता है। चार पैरों वाली जानवर, वो देखो ऐसे खड़ी है जैसे मेरे साथ है ना, सात पैर लेकर ही मानेगी। लगता है रॉन्ग नंबर लग गया। ओ बाबा जी सब कुछ रॉन्ग हो गया। केक खिलाना था एल फोर लक्ष्मी को और खा लिया एल फोर लूसी ने। लूसी तुम्हारी जिंदगी की कड़वाहट में समझ गया, ये कड़वाहट दूर करने के लिए ये लीजिए मीठा केक। अब ये कौन सा केक है? ये नफरत केक है, ये जिसको खिलाएगा वो तुझसे नफरत करने लगेगी। ठीक है, ये केक तो मैं लूसी को खिला के ही रहूंगा। लूसी ये खा ले, मैं कहता हूँ खा ले, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ खा ले। अरे, अरे, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? जी मैं केक खिला रहा हूँ। आप मिस्टर? हाँ वही, मैं केक वाला मिस्टर, उस दिन वाला। आज फिर से केक? हाँ जी, क्या है जी, आज है ना मेरे टॉमी का बर्थडे है, तो जब तक मैं टॉमी के एक दो रिश्तेदारों को ये केक नहीं खिलाऊंगा तो वो बुरा मान जाएगा, दिल टूट जाएगा उसका। ओह आई एम वेरी सॉरी, उस दिन आपका केक नहीं खाया मैंने, मुझे बहुत दुख है, लेकिन आज मैं आपका केक जरूर खाऊंगी। आप खाओ मत। मुझे आप क्यों खा रही हो, आप क्यों खा रही हो मेरा केक? अरे अरे ये तो नफरत वाला केक है। यू कमीने, तलाक? आप एक बाप होकर अपनी बेटी को तलाक लेने का मशवरा दे रहे? इसीलिए कि मैं अपनी बेटी के पति को अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो कितना नीच कमीना और मक्कार। वो क्या थे मुझे उसकी कुछ परवाह नहीं, लेकिन आज वो एक मेहनत का इंसान है। पिताजी मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वो अपनी मेहनत से अपना और अपनी पत्नी का पेट भर सकते हैं। पिताजी तुम इस कागज पर साइन करती हो या नहीं? नहीं। संदी जी वो कर लो गल, ससुर भी आ गया। क्षमा करना संदी जी, हम लोग शायद गलत वक्त पर आ गए। हम लोग ये सोच कर आए थे कि हम अपने बेटे में और बहू में सुलह करा देंगे, पर हमें पता नहीं था कि यहाँ पर तो नौबत तलाक तक पहुंच चुकी है। आप हमारे राजा से इसलिए नाराज थे क्योंकि वो काम चोर था, दूसरों के पैसों पे ऐश करना चाहता था, दूसरों पे बोझ था, लेकिन
यकीन करिए भाई साहब, अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसे एहसास हो गया है कि अपनी मेहनत की कमाई का मजाक कुछ और ही होता है। उसने अपनी गलती का प्रायश्चित कर लिया है और प्रायश्चित से बढ़कर कोई सजा नहीं होती। आज मैंने अपने बेटे को फैक्ट्री में पसीना बहाते हुए देखा तो जिंदगी में पहली बार मेरा भी सीना फख्र से फूल गया। मुझे भी लगा मैं एक नौजवान मेहनती बेटे का बाप हूं। देखिए शिवनाथ जी, आप अपने बेटे की लाख सफाई पेश करें लेकिन उसका मुझ पर कोई असर होने वाला नहीं है। मैं उस बेइज्जत इंसान को अपनी बेटी कभी नहीं दूंगा। आपका बेटा उस दिन हमें इसलिए ठुकरा कर चला गया था कि हम गरीब थे, लेकिन आज मैं आपके बेटे और आप सबको इसलिए ठुकरा रहा हूं कि आज मैं अमीर हूं। अच्छा 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 अच्छा, तो कहानी की असली बुनियाद ये है। मैं तो अपने रूठे हुए समधी को मनाने आया था। मुझे क्या पता था कि मेरा समधी जो है उसे बड़ी जल्दी दौलत की हवा लग जाएगी। पर माफ करना भाई, ये जो सारी दौलत और शान और शौकत है ये आपकी अपनी मेहनत की कमाई हुई नहीं है, लॉटरी से आई हुई है। लॉटरी एक किस्म का जुआ होता है, जुए की दौलत पर इतना मत इतराइए आप। ओए, तू लॉटरी के पैसे को जुए की कमाई बोलता है? लॉटरी ऐसे निकलती क्या? अरे लॉटरी तकदीर वालों की निकलती है, जैसे हमारे चाचा जी हैं। तुम जैसे भिखारियों की नहीं। देखिए भाई साहब, आप कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर रहे हैं। अच्छा, मैं बदतमीजी कर रहा हूँ तो ये मुझे मारेगा? ओए, ले मारो जे। देखो भाई साहब, ये बात ठीक नहीं है। बाहर क्यों कर रहे हैं? ये तरीका नहीं है बात करने का। ये कोई बात नहीं क्या? इस तरह हाथ से कोई बात करता है? देखिए भाई साहब, ये ठीक नहीं है। भाई साहब, तूने मेरे बाबूजी पे हाथ उठाया? आप साले हाथ तोड़कर इतना दूर फेंक दूंगा, छह जन्म लग जाएंगे ढूंढने में। चलो उधर, चलो उधर, चल चलो उधर, चल। बाबूजी आप क्या करने आए यहाँ पर? बेटा हम अपनी बहू से मिलने आए थे। अरे काहे की बहू? अरे काहे की बहू? ये लॉटरी के बल पर अमीर बनने वाले, इनके रिश्ते भी लॉटरी की तरह होते हैं। लॉटरी लग गई आदमी करोड़पति, नहीं लगी तो काहे का पति। वैसे मेरी ये राय मेरे ससुर जी के बारे में, मेरी पत्नी की मेरे बारे में क्या राय है ये मुझे नहीं मालूम। चल मां, अच्छा तू चल, मैं आता हूं। सुनो, उस दिन मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आया था, तुमने मुझे माफ नहीं किया, मुझे बहुत सुनाया, तो तुम्हारे बोलने का मुझे इतना बुरा नहीं लगा जितना आज तुम्हारे चुप रहने का लगा है मुझे। बाबूजी और मेरी मां की बेइज्जती हुई, तुम चुप रही, अच्छा नहीं लगा मुझे। ए लियो, कमाल हो गया साला, हरामखोर बदतमीज अपनी बुराइयों को छुपाने के लिए खामखा हम सब गोले बैठकर चला गया। भाई हम कुत्ते हुए तो चाचा जी भी तो कुत्ते हो गए ना। और नहीं तो क्या? सेठ जी, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? लोग कर लो गल। और चुप है, पता चिता है नहीं, गल असी नहीं करेंगे, गल चाचा जी करेंगे। पायल, ये लो कागज और इस पे साइन कर दो। ये क्या है? पिताजी वो कागजात है जिनमें मैंने लिख दिया है कि जितनी भी दौलत आपने मेरे नाम की थी मैं वो सारी दौलत आपको वापस दे रही हूं और अपने असली दौलत के पास जा रही हूं, अपने पति के पास। मतलब तो अपने बाप को छोड़कर चली जाएगी? मजबूरी है पिताजी, बेटी पति के पल्लू से पल्लू बांधकर अग्नि के जितने फेरे लेती है बाप का हक उतने ही गुना कम हो जाता है और पति का हक उतने ही गुना ज्यादा। मेरे पति का हक आपके हक से 7 गुना ज्यादा है क्योंकि मैंने अपने पति के साथ 7 फेरे लिए हैं। नए जीवन में प्रवेश करने जा रही हूं, आशीर्वाद दीजिए। जाने से पहले मेरा भी फैसला सुनती जा। आज तू इस घर के ऐशो आराम को ठोकर मारकर जा रही है, लेकिन एक बात याद रखना, कल अपने गरीब पति के घर में बर्तन मांजते मांजते तेरे हाथ घिस जाए,
और चूल्हा फूंकते फूंकते तेरी आंखों में आंसू आ जाए तो किसी तकिए में मुंह छुपा कर रोना, लेकिन इस घर की दहलीज में दोबारा कदम मत रखना। अब जा। तकिए में मुंह छुपाने की नौबत नहीं आएगी पिताजी, मैं अपने पति की हैसियत जानती हूँ। अपने पति के घर में शायद मुझे सर रखने के लिए तकिया भी नसीब न हो। ये क्या कर रहे हैं आप पिताजी के साथ? छोड़ दीजिए इन्हें। ओए चंपा, तू क्या सोचती है? पिताजी से रिश्ता तोड़ के तू पति के घर में सड़ लगाएगी और हम लोग हाथ मलते रह जाएंगे? ओए, इतने दिनों से हम चाचा जी की सेवा कर रहे हैं, कभी नमकीन लस्सी, कभी मिठी लस्सी और कभी आलू का पराठा। ओ जी, आलू के ही नहीं, गोभी के पराठे, मूली के पराठे और वो जो सरसों का साग खाया था की डाल के, वो कुछ नहीं। और पता है बेनू, सर्विस वगैरह बोली जा रही है। ओ कुड़िया, चाचा जी की इतनी सेवा करने के बाद तू क्या सोचती है कि हमारा चिंता कुंवारा रह जाएगा? बिल्कुल तैयार करके लाया हूँ मैं। अब सुन, जो मैं कहता हूँ चुप करके करती जा, वरना घोड़ा दबाने में टाइम नहीं लगता मुझे। दीदी, ओए दीदी, हट पड़ेगा, लेके चल। ओए कुड़िये, चल 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 चल। हाँ हाँ, बढ़िया है। ये क्या कह रही बेटी तू? मैंने अपनी आंखों से देखा है बाबूजी, वो कमीना मक्खन और छिंदा पायल और मालिक काका को जबरदस्ती उठा कर ले गए हैं और वो पायल की शादी छिंदा से कराना चाहते हैं। इसका मतलब है जो कुछ हो रहा है मेरी बहू की मर्जी के खिलाफ हो रहा है। तू सोच क्या रहा है? जाके मेरी बहू और समधी को बचा जा। काय का समधी और काय की बहू? जब वो लोग कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहते तो हम लोग क्यों नाता रखे? नाता तो तुमने तोड़ा है राजा, पायल ने नहीं। वो तो आज भी अपने पिता का घर छोड़ के तुम्हारे पास आ रही थी सिर्फ इसलिए कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। हाँ हाँ, कोई प्यार वार नहीं करती, सब ड्रामा है ये। छी, तू छी। राजा। हाँ जी। मेरा बेटा पत्थर से हीरा बन गया, उसके मुंह से ऐसे शब्द अच्छे लगते हैं, मेरी बहू को नहीं लाएगा? अरे नहीं बाबूजी, मेरा खून तो कब से खौल रहा है। वो क्या है ना, इतने दिन से पायल भाव खा रही थी ना, तो मैंने सोचा कि आज मैं भाव खा लूं। अरे खाने से याद आया, दीदी तुझे पता है जब तूने इसे घर से बाहर निकाल दिया था ना, तो इसने कहा था थप्पड़ खाने की बजाय ना मैं मां से जूते खाता तो बहुत अच्छा होता। ना खाने का दिल कर रहा है तो जा रहा हूँ ना पायल को बचाने। ना मैं भी तो आ रहा हूँ, तो चल ना बचाने। इतने दिन से तू गायब था। अरे कुड़िये, मैं तुझे आखिरी बार कहता हूँ, ये शादी का जोड़ा पहन ले। नहीं, कभी नहीं। बैंड बजाने पर बंद कर। एक तो लड़की शादी के लिए नहीं मान रही और तू बैंड बजाता जा रहा है? ओ साहब, हमने आपको पहले कह दिया था हम सिर्फ दो घंटे के लिए बैंड बजाएंगे। मुझे अमरीशपुर की शूटिंग में बैंड बजाना है क्योंकि हमारे स्टेज का बड़ा भाई है। मुझे पता चला कि तू इतना सजील इंसान है मक्खन। अरे मैंने तुझे अपना बेटा समझकर सीने से लगाया और तूने मेरी पीठ में ही चाकू घोंप दिया। अरे चुप है चाचा, तनु पता चाहता तो है नहीं। अरे हम कमीने नहीं, बताइसी कमीने आगे हैं। हम पैसे की खातिर खड़े खड़े बाजार में अपने बाप को बेच देते हैं और तू किसके की बोली है? अरे कुड़िया, जल्दी से बंद कर अपना ये ड्रामा, ते अपने कपड़े पहन कर शादी के लिए तैयार हो जा। अरे नहीं, ये क्या कर रहे हो मक्खन जी? शादीशुदा लड़की की फिर से शादी करने जा रहे हो? अरे ये कानून जुर्म है, क्यों वकील? ओए आगे बता ना, तू यहाँ मुझे कानून सिखाने आया है? ओए छोड़ इनको, हट चल, हट चल, हट। अरे हम तुमको कानून सिखाने के लिए नहीं, कानून से बचाने के लिए आए। पूछो कैसे? कैसे? अरे अरे, तुम इस उल्लू के पट्टे की पायल से शादी करना चाहते हो ना? तुम इस पागल आदमी यानी कि मेरे ससुर जी की जायदाद हड़पना चाहते हो ना? अरे लेकिन पायल का पहला पति तो मैं हूँ, तो इसकी जायदाद का पहला हकदार तो मैं हो गया ना? यार तेरा मतलब क्या है? अरे मतलब ये है कि जब तक मैं पायल को तलाक नहीं देता, तुम्हारा साला जायदाद का पूरा हकदार नहीं बनता ना? और यार साहब साहब बता, तेरा मतलब क्या है? अरे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं पायल को तलाक देने को तैयार हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? हिंदी बोल रहा हूँ। अरे मैं तो कागज भी लाया हूँ साथ में। तू सचमुच उसको तलाक दे देगा? हाँ हाँ, बिल्कुल दे दूंगा यार। अरे यार, मैं पैसे के लिए तो शहर में आया था, पैसे के लिए मैंने लड़की फसाई और पैसे के लिए मैंने शादी की, मगर फाड़ कर उधर लेफ्ट में क्या देख रही हो? इतनी सीटी बजाया समझ में नहीं आया? चुपचाप खड़ी रहो। और आप क्या खुजा रहे हैं? जब तक 50 लाख रुपया नहीं मिलेगा ना, मैं नहीं साइन करूंगा। क्या करे यार, हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। भांडजे तू जिद मत कर, देख गरीबों का प्रॉब्लम समझना है ना, गरीबों का फर्ज बनता है। इसकी बीवी है ना, सोने के जेवर पहने हुए, सोने की है ना जी? जी
हाँ तो फिर ऐसा करो, सोने के जेवर उतार दो, बयाने के तौर पर दे दो, मेरा भांजा है ना, इसमें से कागज निकाल के, पेन निकाल के साइन कर देगा तलाकनामे पे। और मैं जेवर एवर देने वाली नहीं, पहले कह देती हूँ। अच्छा, देखिए जी, मेरी माँ ने दिए थे, नहीं मैं नहीं देने वाली जेवर, नहीं दूंगी। ओए, लाख दो लाख के जेवरों के लिए करोड़ों की दौलत चली जाएगी, उधार मैं नहीं करती। ओ छिंदे, इधर आ। हाँ जी, जी पकड़ अपनी दीदी को। ओ छिंदे, छोड़ मेनू। उतार रही हूँ मैं, हाँ उतार रही हूँ। हाँ। ये छिंदे में है ना कपड़े बड़े अच्छे पहने हुए ना, इसका बरमुड्डा अगर मिल जाए तो बरमुड्डा पहनूंगा मैं। नहीं मामा, तो उसमें घुस नहीं पाएगा ना। ना मैं मुड्डे पे बैठ के बरमुड्डा फाड़ के घुस जाऊंगा। अच्छा हाँ। और ठीक है, छिंदे उतार रहे कपड़े। अब मैं नहीं उतारने, तो मैं नहीं साइन करूंगा। पुत्र, तुझे दूल्हे की ड्रेस पहनी पहनी है, उतार दे पकड़। पर दीदी जी, और की कर रहा है? नहीं जी, और कुछ नहीं, इसको बोलो कपड़े उतार दे। और चेती कर, नहीं तो गोली मारता। उतार रहा है ना? उतार रहा है, उतार रहा है, उतार रहा है, उतार रहा है, उतार रहा है। नंगा हो गया है, नंगा हो गया। तुमने मार क्यों रहा है? मार क्यों रहा है? तेरी शादी हो रही, तू चट्टी में खड़ा है, चल चल के कपड़े बदल के आते हैं। लाओ जी फड़ाओ, लाओ जी सारे जेवर। चले दीदी, मैं तैयार होके आया। दीदी मैं तैयार, तो साहब मुझे मेरे पैसे दे दो, मुझे अमरीशपुरी की शूटिंग में बैंड बजाना है। ओए, तुझे अमरीशपुरी की शूटिंग में बैंड बजाना है? गोली लेवर की सुअर दा पुत्र, उधर जाके बैंड बजा ले, गोली मार दिया। आइए, चेहरा पहनेंगे आप, शादी करेंगे? की पहना रहा मेनू, की पहना रहा है? ये जोड़ा जो शादी का पहनेगा नहीं है, तो खोल इसको। तू इतना मोटा कैसे हो गया? मैं खुशी से हो गया मोटा। ओ साहब, लेकिन तुम मुझे क्यों दुबला कर रहे हो? मुझे अमरीशपुरी की शूटिंग में बैंड बजाना है, मेरे पैसे दे दो। मेरे जीजा जी को परेशान कर दिया। पैसे और पैसे, शादी हो नहीं, पैसे मांगता है, बैंड बजा। मेरी बीवी मुझे माफ कर दे, मुझे माफ किया। ये गालियां क्या मिलता इधर आ? अरे सुनिए तो, हाँ तो बहुत ताकत है तुम्हारी बाजुओं में। अबे अबे मोटे, अबे काट का दिया, अबे अबे मोटे, अबे काट का दिया, अबे अबे मोटे, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो मोटे? मैंने कही जी, आओ जी, ओ जी मैंने कही मेरा नाम शादी लाल है जी। लोग कर लो गल, Oh!
चुप पता शता है नहीं अवे घोड़ा दवाई जा रही है और गोलियां हथ है अभी कच्चा तो नीचे नहीं आएगा। अच्छा नीचे नहीं आएगा लेकिन ऊपर तो जाएगा है? दीदी दीदी कच्चा उतार देता दीदी 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 कितने अरे कच्चा तो लेता जा आइए आइए इंस्पेक्टर घुमा के नहीं लग जाइए। अच्छा ओके बाबूजी आप लोग सही टाइम पर आ गए, मेरा तो लड़ने का बिल्कुल मूड नहीं था। भाणजा बिल्कुल ठीक कह रहा, जीजा जी लड़ने का मूड तो मेरा भी नहीं था। साहब वो तो जेल जा रहा है, मेरे पैसे कौन देगा? मेरे पैसे दीजिए, मुझे अमरीशपुरी के शूटिंग में बैंड बजाना है। दो मिनट और रुके ना तो तुम्हारी बैंड हम बजा देंगे। चलो भागो ऐसे। और सुनो तुम तो चौकीदार थे ना बंगले पे? साहब वो मेरा जुड़वा भाई है। तो फिर एक मिनट भी मत रुकना, चलो भागो ऐसे। चल भाग दीदी। चुप कर खोतिया। अब चुपने से क्या फायदा, चलो मेरे साथ चलो। आओ जी आओ। तक्का क्यों मारती है? चला चला दीदी। ओ किस मंगलसूत्र पे भी आप ही का नाम लिखा है। ओ जी मैं आपके दिल में रहना चाहता हूँ, मैं आपके घर में रहना चाहती हूँ। बेटे मुझे माफ कर दे, मैंने आगे मत बोले, टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ जो बड़े बुजुर्गों का काम है ना वही करिए आप बस। अरे अरे चलो बेटे घर चलते हैं, करोड़ों की दौलत है तुम्हारे सिवाय उसे संभालेगा कौन? ना 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 मैं नहीं आने का। बहुत बड़ा हराम खोर था। बड़ी मुश्किल से सुधरा हूँ। बाबूजी मेरा बिल्कुल ठीक कहते थे कि अपने दो हाथों की कमाई हुई रोटी होती है ना वो खाने का मजा ही कुछ और है, वो दूसरों के करोड़ों में नहीं है। नहीं है ओ मामे, ओ किधर रह गया तू? भाणजे डिस्टर्ब मत कर, मेरी कहानी का दी एंड बहुत अच्छा हो रहा है, तू अपना काम कर मैं अपना काम करूंगा। अरे ओ मामा का